हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ थर्ड लेक्चर. ओके, एंड मेरा तो ये भी मन है कि चैप्टर नंबर 1 के लिए इससे ज़्यादा और लेक्चर नहीं बनने चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा. ओके, सो भले 2 आवर्स लगे या 2.5 आवर्स लगे, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आज ये चैप्टर हमें ख़त्म कर देना चाहिए आइडियली. ओके, लेकिन क्या है ना कि ये जो 2 चैप्टर हैं ना तुम्हारे, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, ओके, चैप्टर नंबर 1 में यूनिट 1 और यूनिट 2, ये दोनों थोड़े लेंदी जाएंगे रिकॉर्डिंग में. उसकी रीज़न ये है कि पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर में, जिसको एक एक करके कर डिस्कस नहीं करूं तो सम्स नहीं कर पाओगे तुम. तो सम्स पे अगर कंट्रोल करना है, और हार्डली 3-4 चैप्टर ही ऐसे हैं पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर में जिसमें सम्स बनते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये चैप्टर सम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या अगला वाला चैप्टर सम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते. इसलिए मैंने सोचा भले ही 1 आवर या 1.5 आवर थोड़ा ज़्यादा लगे चलेगा, लेकिन पोर्शन की कवरेज अच्छे से होनी चाहिए ताकि तुमको मेहनत कम से कम करनी पड़े. ओके, तो आज के लेक्चर में क्या क्या कवर करना है वो तुमको मैं बता रही थी. पहली बात, हमने कुछ भी सम्स अब तक नहीं किए, तो हमें बहुत सारे सम्स करने पड़ेंगे, बिकॉज इलस्ट्रेशन के अंदर में, यू नो, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक काफ़ी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं. तो मैंने तुमको जो शीट दी है उसके अंदर में सारे क्वेश्चन टाइप कर दिए, यानी सारे अपन क्लास में करके ख़त्म कर देंगे. ओके, दूसरी बात, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, तो वो भी हमें क्लास के अंदर कवर कर लेना चाहिए ताकि डिस्कशन हो पाए, यू नो, काइंड ऑफ. उसके अलावा आई हैव लाइक आई थिंक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो गाइज वो तुम खुद से कवर कर सकते हो, बिकॉज कॉन्सेप्चुअली अब तुमको कंट्रोल है पूरा सब्जेक्ट का, राइट. लेकिन तुम्हें उन वर्ड्स पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा जो उन्होंने यूज़ किया है मॉड्यूल के अंदर में, बिकॉज दे आर अ बिट स्पेसिफिक ऑन दैट. तो तुमको वो वर्ड्स को थोड़ा ध्यान भी करना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, अंडरलाइन भी करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर में. तो वो तुम मैनेज कर लेना. अगर मुझे समय मिला, यू नो, पूरा रिकॉर्ड करने के बाद अगर मुझे समय मिला तो मैं डेफिनेटली वो भी रिकॉर्ड कर दूंगी, बट मैं आज की आज प्रॉमिस नहीं कर रही, वरना तुम फॉलो अप करोगे मुझे. ओके, तो ये तो हो गई बात सम्स के बारे में. पॉइंट नंबर 2, जब मैं देख रही थी मॉड्यूल तुम्हारी ना, तो आई होप यू आर कम्फर्टेबल, राइट. तो मैंने देखा गाइस कि कुछ कैलकुलेशंस ऐसे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं कवर किया है, लाइक GDP किया, GNPA किया, आई थिंक डिस्पोजेबल इनकम तक हम लोग गए थे. तो गाइस ये जो कैलकुलेशंस है ना, ये स्टैंडर्ड हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने रिकमेंड किया है फॉर नेशनल इनकम अकाउंटिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. ओके, नाउ बिसाइड्स दोज कैलकुलेशंस देर आर फ्यू मोर विच इज़ यूनिक टू इंडिया. एक्चुअली मतलब इंडिया के अंदर में जो नेशनल अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो भी है हमारा, ओके, वो कुछ और भी कैलकुलेशंस करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द इनकम कैलकुलेशन ऑफ द कंट्री. बेसिकली तुम बोलोगे मैम क्या क्या, लाइक प्राइवेट इनकम, देन डोमेस्टिक इनकम, एंड देन पर कैपिटा इनकम. खैर, पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी वेरी पॉपुलर, इट इज़ नॉट यूनिक टू इंडिया ओनली. ओके, सो दीज आर अ फ्यू कैलकुलेशंस दैट यू हैव टू कवर अप. और मैं सम्स तब तक नहीं करा सकती जब तक ये सारा मैं ना पढ़ा दूँ, बिकॉज अल्टीमेटली वो एक डेटा देंगे, दूसरा निकालने को बोलेंगे, तो यू शुड नो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट फॉर दैट मैटर. तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद दैट ओनली. एंड बिसाइड्स दैट, आई थिंक GDP डिफ्लेटर, दैट इज रियल एंड नॉमिनल इनकम. ओके, रियल GDP एंड नॉमिनल GDP की कैलकुलेशन मैंने अब तक नहीं सिखाई है तुमको, वो कवर करना है, वो इम्पॉर्टेंट है. एंड आई थिंक 2-3 सम कॉन्सेप्ट्स लाइक लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड ऑल दैट, तो वो सारा करवा दूंगी मैं तुमको, टुवर्ड्स द एंड करेंगे. पहले जो मेन पार्ट है वो ख़त्म करते हैं, पहले जो कॉन्सेप्ट रह गए जो नहीं करा है वो कराती हूँ. एंड ऑल्सो गाइज, आई थिंक पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम तुमको मैंने कराया था, बट मैं शुरुआत वहाँ से वापस कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी अगर ओवरलैपिंग हो जाएगी ना तो रिविजन हो जाएगा. सो लेट्स गिव द हेडिंग नाउ. Some concepts of, I don't know what to write, that is why I'm writing some concepts of national income accounting done in India. I don't know what to write, मतलब मेरा ये intention है कि जो भी चीज़ें दी हुई है सब आना चाहिए बच्चों को. सो नंबर 1, दिस यू ऑलरेडी नो, पर्सनल इनकम. सो आई थिंक NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के जितना तुम्हें कंफर्टेबल होना चाहिए, आइडियली तुम्हें कंफर्टेबल होना चाहिए, एंड दैट इज़ नेशनल इनकम. बिकॉज आई थिंक
उसके बाद जो चीज़ें हैं ना, इनफैक्ट अलग अलग बुक्स में भी कुछ अलग अलग चीज़ें दी हुई रहती है। तो मैंने जो पढ़ा है, तुम्हारी बुक में जो दिया हुआ है, या कोई और बुक मैं रेफ़र करूँ तो वहाँ जो दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा गैप रहता है। बट आई डोंट थिंक जो सम्स उन्होंने दिए वो उतने मुश्किल हैं, उतने मुश्किल सम्स नहीं। आई थिंक दे आर क्वाइट मैनेजेबल। ओनली डिफ़िकल्टी जो मैं फ़ेस करती हूँ वो ये फेस करती हूँ, तुमको पता चल जाएगा, मैं जब सम्स करूँगी तो तुमको बताऊँगी मैं कि क्या डिफ़िकल्टी है। बोलते हैं पर्सनल इनकम निकालो, निकाल कुछ और देते हैं, तो वो एक दिक्कत है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या निकालने को वो लोग बोल रहे हैं। तो अब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सारे सम्स करके जाओ और डेटा दे के थोड़ा दिमाग चलाना, और क्या। सो पर्सनल इनकम इज द इनकम विच इज़ लाइक विच इज़ कमिंग इन टू द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एक्चुअली। सो PI भी बोलते हैं इसको, एंड दैट विल बी इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज़ लाइक नेशनल इनकम माइनस कॉरपोरेट टैक्सेस। ये इनके हाथ में नहीं आता। देन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, राइट ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कॉरपोरेट्स, मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स, वो इनको नहीं मिलता है, राइट, ऑफ कॉरपोरेट्स। देन सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस लाइक PF एंड ऑल, जो पैसे चले जाते हैं तुम्हारे, ये भी इनके हाथ में कंज्यूम करने को तो नहीं आता, राइट। देन प्लस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बोलो या कॉन्ट्रीब्यूशंस बोलो जो फर्म करती है, ओके चलेगा। एंड नाउ वी शुड टेक दिस होल थिंग इनटू अ ब्रैकेट, ओके, एंड दिस साइड आल्सो एक ब्रैकेट आना चाहिए, प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स। सो व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट गाइस? ट्रांसफर पेमेंट्स आर लाइक पेमेंट्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, ओके, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन काफ़ी बार बोल भी चुकी हूँ, ओके, एंड विडो अलाउंस एंड स्कॉलरशिप इन केस ऑफ लाइक कोई अगर बहुत ब्राइट चाइल्ड है तो सरकार उसको स्कॉलरशिप देती है, वो वाला जो पैसा होगा। उसके बाद पेंशंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट्स। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, वो है इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट और इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, वो भी यहाँ पे कंसिडर होगा, लेकिन हम उसको ट्रांसफ़र पेमेंट का ही पार्ट समझते हैं। तुम्हारा सवाल मुझसे ये होना चाहिए कि मैम ट्रांसफ़र पेमेंट को आप नेशनल इनकम में क्यों नहीं लेते? तो नेशनल इनकम के अंदर में हम वो चीज़ें लेते हैं, वी कंसिडर दोस यू नो काइंड ऑफ वेरिएबल्स विच इज़ लाइक रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स एंड सर्विस, ओके, इन दैट पर्टिकुलर ईयर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बट पेंशन इट डज नॉट रिलेट टू एनी प्रोडक्टिव काइंड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड अगर तुम्हें कहीं फ्लड आ गई है तो सरकार जो पैसा ट्रांसफ़र करती है, इनफैक्ट इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट जो होता है, यानी सरकार जो पैसा बोरो करती है उसके ऊपर जो ब्याज होता है ना, वो भी हम नेशनल इनकम के अंदर कंसिडर नहीं करते, जबकि दूसरा जो इंटरेस्ट होता है वो हम कंसिडर करते हैं। क्यों पता है तुम्हें? कि वो बोलते हैं कि इट इज़ लाइक अल्टीमेटली हमसे ही सरकार लेकर के ब्याज दे रही है, तो उसकी वजह से हम नहीं लेते इसके अंदर में। तो मैंने सेपरेट नहीं किया, लेकिन ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट अगर आया, या कहीं पे अगर आइटम ऐसा दिया हुआ है, या इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट ऐसा कोई लैंग्वेज आ रही है, तो वो यहाँ पे ऐड होगा। आई एम अज्यूमिंग दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट ओनली, आई मीन जो मैं लिख रही हूँ उसके अंदर में, ओके, ध्यान देना इस बात पे। पॉइंट नंबर टू, ओके, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सो ये भी वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो अगेन आई विल राइट हियर। सो दिस विल बी PI माइनस पर्सनल टैक्सेस आफ्टर पेइंग द डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स और समथिंग। The money would be available to you for consumption or saving, whatever you feel like. Minus personal tax. एक चीज़ और मैं यहाँ पर add करूँगी, some compulsory payments. ये क्या है वो देख लो,
सम कंपल्सरी पेमेंट्स, मतलब कोई ऐसा पेमेंट जो गवर्नमेंट ने बोला कि आपको देना पड़ेगा इन सम फॉर्म ऑफ टैक्स ओवर एंड अबव द डायरेक्ट टैक्स एक्चुअली. अगर वैसा कोई टैक्स होगा तो वो आपको पे करना पड़ेगा, और वो पे करने के बाद जो पैसे बचेंगे वही तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम होगी. ओके, लाइक सम टैक्स एक्सेट्रा, राइट. सो प्लीज गाइज कंसिडर करना, हाँ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर थ्री, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. ये इंपॉर्टेंट भी है, तुम इसको मार्क कर लेना. ओके, सो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इसको शॉर्ट में हम लोग NNDI भी बोलते हैं. सो क्या है वो सुनो तुम गाइस. क्या होता है ना कि बेसिकली जो डिस्पोजेबल इनकम, व्हाट यू कैलकुलेटेड, इट इज अ डिस्पोजेबल इनकम ओनली फॉर एन इंडिविजुअल. ओके, सो व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग द नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. ओके, दैट मीन्स द टोटल नेशंस इनकम which is available for consumption or saving without breaking the existing, like तुम्हारी जो existing जो assets हैं तुम्हारे पास में उसको break करे बगैर जो पैसा तुम्हारे पास में available है in order to consume or save will be called as net national disposable income. Okay, so obvious सी बात है कि इसके अंदर में पता है क्या आएगा. देखो तुम भी लिख सकते हो मेरे साथ में, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मेजर्स टोटल इनकम अवेलेबल टू अ नेशन. ध्यान देना, हाँ, available to a nation both earned and received for the purpose of consumption and saving. Without liquidating the assets to meet कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स. समझ में आई बात? नहीं लिखोगे तो कंट्रोल नहीं आएगा, और तुम लिखोगे नहीं तो कंट्रोल नहीं आएगा, इसलिए लिखना ज़रूरी है. इसका इक्वेशन लिखती हूँ फिर डिस्कस करेंगे. सो NNDI मीन्स NNP एट फैक्टर कॉस्ट. ये इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए समझने में, राइट. दिस इज नेशनल इनकम. देन प्लस नेट, समझाऊंगी दो मिनट, दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस and plus net current transfers from rest of world. In short, you can also call it, not here, it should be like here, somewhere here. यहाँ होना चाहिए आइडियली. तो अब सुनना ये क्या है. ओके, सो बेसिकली नेशनल इनकम है तुम्हारी, यू हैव दैट इज़ व्हाट यू हैव अर्नड एक्चुअली. ओके, एंड उसके अंदर में तुमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्यों ऐड किया? बिकॉज दे से दैट बेसिकली
दिस इनडायरेक्ट टैक्स इज लाइक अ ट्रांसफर पेमेंट टू द गवर्नमेंट, ओके, बट इट अफेक्ट्स द परचेजिंग पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड दैट इज वाई इट मस्ट बी एडेड. सरकार के भी तो खर्चे होते हैं, सरकार भी सेव करती है, तो वो ऐड करो. सो बेसिकली ये ऐड करने से क्या हो जाएगा पता है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस हो गया. आई थिंक आई एम करेक्ट, राइट? देन नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है? तो क्या होता है ना, यहाँ की सरकार यू नो काइंड ऑफ फॉरेन की जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको एड्स देते हैं, ग्रांट्स देते हैं, डोनेशन देते हैं, बहुत तरह के गिफ्ट्स देते हैं, कंजम्पशन आइटम्स देते हैं, तो हम भी देते हैं, वो भी हमें देते हैं. तो जब नेट रिसीट फॉर एग्जांपल डोनेशन आता है, कितने तरह के ग्रांट्स आते हैं पता है, जो कंट्रीज़ स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को कितने तरह के ग्रांट्स देते हैं, ओके, तो वो तुमने भी दिया और उन्होंने भी दिया, राइट? तो वो जो नेट रिसीट होगा, वो ध्यान देना, नेट रिसीट होगा तो वो ऐड हो जाएगा, बिकॉज उससे तुम्हारी कंजम्पशन और सेविंग करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ओके. मैंने कुछ लाइंस यहाँ पे लिखी, देखो क्या लिखा है, मैंने लिखा है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मेजर्स अ टोटल इनकम अवेलेबल टू अ नेशन बोथ अर्न्ड एंड रिसीव्ड. अब तुमको समझाना इसका मतलब, फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग्स विदाउट लिक्विडेटिंग द एसेट्स टू मीट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. मतलब क्या हुआ, टोटल इनकम अवेलेबल टू द होल नेशन, जिसको वो लोग या तो कंज्यूम कर सकते हैं या वो लोग सेव कर सकते हैं, लेकिन कंज्यूम करने के लिए हमें हमारे एसेट्स को तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. वो हो गया तुम्हारा नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, दैट मीन्स टोटल इनकम अवेलेबल टू द होल नेशन, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइज, ध्यान देना. एक और इससे रिलेटेड है, उसको बोलते हैं GNDI, तो वो भी लिख देती हूँ यहाँ पे. फोर्थ पॉइंट, ग्रॉस, दैट इज ईजी, तुमको पता है ग्रॉस और नेट में एक ही फर्क है, डेप्रिसिएशन. सो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड इट इज GNDI, करेक्ट ना? तो ऑब्वियस ही बात है, क्या हो जाएगा, NNDI प्लस NNDI, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोलो या डेप्रिसिएशन बोलो, एक ही बात है. आई एम राइटिंग द लैंग्वेज बिकॉज इफ यू आर नॉट वेरी लाइक, अगर तुम्हें लैंग्वेज की आदत नहीं है तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज डेप्रिसिएशन, दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम टू यू एट ऑल. तो ये एक मतलब बेसिकली न्यू कॉन्सेप्ट तो यही वाला हुआ, बाकी तो तुमने ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल इनकम ये तुम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके थे. तो एक नया हम लोगों ने पढ़ा NNDI एंड GNDI. एक और देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, नंबर 5, डोमेस्टिक इनकम. सो डोमेस्टिक इनकम इज वॉट, यू नो वॉट, NDP एट फैक्टर कॉस्ट. एक्चुअली क्या होता है कि आई एम प्राइमरली अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टीचिंग फैकल्टी, एक्चुअली यू नो, अगर मुझसे तुम पूछोगे तो, बिकॉज इतने सालों से मैं प्रैक्टिकल ज़्यादा पढ़ा रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल CA फाइनल में बहुत ज़्यादा पढ़ाई हूँ, बहुत सारे साल पढ़ाई हूँ, like it's like 14 years 15 years now, and CA enter में भी पढ़ाई हूँ, पहले भी बहुत पढ़ाई थी, लेकिन उस समय पे इकोनॉमिक्स नहीं था उसके अंदर में. 100 मार्क्स का पेपर हुआ करता था और 50 मार्क्स के यू यूज टू हैव कॉस्टिंग एंड 50 मार्क्स यूज टू बी FM एक्चुअली. सो इकोनॉमिक्स इज लाइक थियरी पढ़ाना इज़ अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. सो पढ़ाने की टेक्निक भी अलग होती है, जो टीचर्स प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं आई डोंट नो हाउ गुड दे कैन टीच थियरी एंड ऑल दैट, बट क्या होता है बोलना भी ज़्यादा पड़ता है. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जब पढ़ाते हैं तो काफ़ी समय मिल जाता है यू नो काइंड ऑफ लिखने का, तो तुमको एक नेचुरल सा ब्रीद मिलता है, ओके, तो यू नो काइंड ऑफ यू फील लाइक हैविंग वाटर एंड एवरीथिंग, बिकॉज नॉन स्टॉप बोलते हैं तो गला सूखता है बहुत तुम्हारा, एंड यू फील लाइक हैविंग वाटर. सो कई बार मैं ऐसे मुड़ूंगी तो तुमको देखना लगेगा कि अरे मैम कुछ और बोल रही थी, अभी कुछ और थोड़ा सा लगा हिला तो समझ जाना कि मैम शायद शी मस्ट बी हैविंग वाटर और समथिंग लाइक दैट, ओके, और मे बी शी इज जस्ट ट्राइंग टू चेक आउट वेदर द रिकॉर्डिंग्स आर गोइंग करेक्ट और नॉट, लाइक दैट, ओके. सो इफ एट ऑल यू फील अ जर्क एट ऑल लाइक दैट,
ओके सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक डोमेस्टिक इनकम विच इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दैट इज व्हाट दे से ओके सो इट इज अ रूल बुक डोंट वी कैंट क्वेश्चन ऑन दैट क्या है ये जरूर बताऊंगी तुमको और एक एक चीज डिटेल में बताऊंगे सो डोमेस्टिक इनकम दे आर लाइक उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ये लोग ओके तो डोमेस्टिक इनकम को दैट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब टोटल डोमेस्टिकली जनरेटेड फैक्टर इनकम्स मतलब टोटल ऑफ वेजेस टोटल ऑफ वेजेस एंड सैलरीज टोटल ऑफ रेंट टोटल ऑफ प्रॉफिट्स टोटल ऑफ इंटरेस्ट डोमेस्टिक वाला ओके एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ओके दे आर सेइंग दैट इसको तुम दो पार्ट में डिवाइड कर दो एक पब्लिक अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर एंड दूसरा अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर पब्लिक मीन्स वॉट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड एंटरप्राइजेस नंबर टू प्राइवेट सेक्टर मतलब सब कुछ उसके अंदर बाकी आ जाएगा ओके सो दे से दैट बेसिकली ये कैलकुलेशन करने के बाद ना हमें एक कैलकुलेशन करनी है उसका नाम है प्राइवेट इनकम वहाँ पे ये काम आता है इसलिए ये पहले होना ज़रूरी है सो वॉट इज़ अक्रूइंग टू द पब्लिक सेक्टर दे से दैट ये ध्यान करना पड़ेगा तुमको ओके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ओके ऑफ द डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस प्लस ओके द सेविंग्स ऑफ द नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस दैट कॉम्पोनेंट ऑफ एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दैट कॉम्पोनेंट ऑफ एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट विल बी कॉल्ड एज इनकम अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर एंड होल ऑफ द रिमेनिंग वुड बी कॉल्ड एज अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर बेसिकली तो आई थिंक जैसे हम लोगों ने एनएनडीआई में क्या किया ना लिखा उसके बाद डिस्कशन किए तो कंट्रोल करना थोड़ा ईजी होता है मुझे यहाँ लिखने तो फिर बात करते हैं अपने लोग ओके दिस कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स एक्चुअली नॉट कैटेगरीज टू पार्ट्स मतलब टोटल ऑफ जो फैक्टर इनकम जनरेटेड है देखो फैक्टर कॉस्ट है टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो जनरेटेड है उसको तुम दो पार्ट में डिवाइड कर दो ओके दैट्स व्हाट दे आर सेइंग ए अक्रूइंग टू टू पब्लिक सेक्टर सो क्या लिखेंगे अपन यहां पे व्हाट शुड बी राइट सो पार्ट ऑफ एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट लाइक इनकम फ्रॉम जो याद आ रहा है वो लिख रहे हैं लाइक इनकम चेक कर लेना बुक में सही है कि नहीं लाइक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंटल सर्विसेस ऐसा लिख सकते हैं एंड सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस ओके ये क्या है वो सुनो अभी सो बेसिकली जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है वन अक्रूइंग टू द पब्लिक दैट मीन्स गवर्नमेंट रिलेटेड एंड वन टू नॉर्मल लाइक प्राइवेट सेक्टर ओके सो इसके अंदर में लोग क्या बोल रहे हैं कि तुमको समझा डिपार्टमेंटल और नॉन डिपार्टमेंटल क्या होता है पहले ये समझता है नहीं समझेगा तो डिपार्टमेंटल का मतलब क्या होता है जैसे गवर्नमेंट ना कितनी सारी चीज़ें चलाती हैं जैसे रेलवेज है या लाइक पोस्टल सर्विसेज हैं तो ये डिपार्टमेंटल में आ गया राइट तो क्या बोल रहे हैं कि उससे जो प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम द डिपार्टमेंटल सर्विसेज जो सरकार की प्रॉपर्टी है उससे जो इनकम जनरेट होती है ओके किसी भी तरह की इनकम जो जनरेट होती है और जो उससे प्रॉफिट्स होता है वो वाला पार्ट वुड बी रिगार्डेड एज इनकम अक्रूइंग टू द पब्लिक सेक्टर एंड प्लस
द सेविंग्स ऑफ द नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज ऑफ द गवर्नमेंट. अब नॉन डिपार्टमेंटल कौन सा है जिसमें सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा होता है? ओके, लाइक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस नहीं होती है क्या? लाइक क्या बोलूँ मैं, ONGC है, देन MTNL है, उसकी सेविंग्स को बोला है उन्होंने पब्लिक सेक्टर. क्यों सिर्फ सेविंग्स को बोला? क्योंकि बाकी जो पैसे हैं ना, बाकी जो फैक्टर इनकम्स है, वो तो इंडिविजुअल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अब ONGC के अंदर जो वर्कर्स हैं उनको कॉम्पनसेशन मिलेगी, वेजेस और सैलरीज मिलेगा. ओके, वो लोग अगर रेंट पे कोई जगह लेते हैं तो उनको रेंट बाहर चला जाएगा. देन उसके बाद जो भी प्रॉफिट्स वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वो भी बाहर चला गया. जो भी जो देखो ONGC के अंदर में सिर्फ सरकार का तो हिस्सा नहीं है ना, सिर्फ सरकार की ओनरशिप नहीं है. तुमको अगर पता नहीं तो बता दूं मैं, ONGC इज़ ए लिस्टेड कंपनी, तो उसमें मेरे पास भी स्टॉक हो सकता है, तुम्हारे पास भी स्टॉक हो सकता है. तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके जो प्रॉफिट्स और डिविडेंड के तौर पे हम सबके पास भी आते हैं. ओके, तो ये सारी जो चीज़ें वो नॉन डिपार्टमेंटल हो गई. तो उन्होंने क्या बोला कि पूरा का पूरा इनकम, पूरी इनकम ऑफ द डिपार्टमेंटल सर्विसेज पूरा, बिकॉज वो किसी और को नहीं मिलता होगा शायद. ओके, एंड प्रॉपर्टी, देखो इसमें वेजेस एंड सैलरीज नहीं दिया है. एंटरप्रेन्योरशिप मतलब, क्योंकि सरकार ही उसको ओन करती है, रेलवेज में किसी का हिस्सा नहीं है, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट सरकार का है. और वो जो प्रॉपर्टी वो लोग ओन करते हैं उसको, अब जो स्टेशन है समझो कि रेलवे स्टेशन है, वो सरकार की प्रॉपर्टी, उससे जो भी इनकम आएगी वो सरकार की होती है. लेकिन देखो इसमें वेजेस एंड सैलरीज नहीं आया, दिमाग चल रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? एंड सेविंग्स ओनली, दैट मीन्स नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज वुड बी रिगार्डेड एज प्रॉफिट्स अक्रूइंग टू द पब्लिक सेक्टर. आई थिंक दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू. ओके, नाउ NDP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस दिस टू वुड बी वॉट? प्रॉफिट्स अक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर. वॉट एल्स? बी, अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर. ओके, सो दिस विल बी, कैन आई राइट लाइक दिस, NDP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस इनकम फ्रॉम, देखो लिखना पड़ेगा, चॉइस नहीं है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड of departmental services बोलते हैं. ओके, प्लस सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल enterprises, so that will be factor incomes, total factor incomes accruing to the private sector. I think there should be like, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे ना, देखो कहीं भी अगर if you go and see anywhere on the net also, बहुत clarity नहीं रहती है, तो तुमको थोड़ा बैठ के सोचना पड़ेगा. सोचोगे तो answers मिलेंगे तुम्हें, इसलिए stress नहीं लेना थोड़ा, और वैसे मैं हूँ तुम्हारे पास में. Okay, so this is like guys, domestic income. तो domestic income, it is divided into two parts, public sector, accruing to the public sector and accruing to the private sector. I think that should be fine with you. एक और आ रहा है, उसका नाम है private income. What is the number now? 6. That's again very important. 6. Private income. So when I say private income, I mean to say the total of all the income available to the private sector basically. तो क्या क्या आ जाएगा उसके अंदर पता है तुमको? उसके अंदर आएगा income accruing to the private sector. That means NDP at factor cost minus this. ये क्या हो गया? Income accruing to the private sector plus net factor income from abroad. वो भी तो आ रहा है वहाँ पे. Okay. Plus ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट, ट्रांसफ़र इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट, लाइक वो जो सारी चीज़ें होती है वो सारी, वो भी तो प्राइवेट सेक्टर को ही आती है. उसके बाद नेट ट्रांसफ़र फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, तुमने जो ऊपर लिखा ना नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नहीं लिखा NDI में वो, और यहाँ जो लिखने वाली हूँ, उन दोनों में गैप है, उस दोनों में बहुत फ़र्क है, तो वो बताओगे मुझे लिखने दो पहले. प्राइवेट इनकम, सो दिस विल बी
इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, ओके, मीन्स पार्ट ऑफ एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट विच इज अक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर. मैं शायद मिस कर गई हूँ कुछ लिखना, लिखने दो, रुको. ओके, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके, प्लस ट्रांसफर्स ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट. अगर चाहो तो इसमें अलग से मैं एक आइटम और ले सकती हूँ और वह है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट. आई एम राइटिंग सो दैट वी डोंट फॉरगेट दैट नेशनल डेट. और इसमें आना चाहिए नेट ट्रांसफर. तुमको पता है यूजुअली जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है ना वो NNDI में जो हमने यूज़ किया वो नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. उसका मीनिंग होता है कि यहाँ की सरकार, यू नो, नेट रिसीव्ड बेसिकली फ्रॉम द गवर्नमेंट्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज टू आवर गवर्नमेंट. ओके, उसका मीनिंग वहाँ पे वो होता है. यहाँ पे नेट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मीनिंग वो नहीं होता. यहाँ पे मीनिंग ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम US में रहते हैं, यू नो, कुछ लोग US में रहते हैं, कुछ लोग इंडिया में रहते हैं. वेरी लेम व्हाट आई एम सेइंग दो. तो वहाँ के लोग, यू नो, दे आर लाइक ट्रांसफरिंग वेल्थ इनटू इंडिया, लाइक पेइंग डाउरी इनटू इंडिया, ओके, देन गिविंग गिफ्ट्स इन इंडिया, लाइक दैट दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस बेसिकली. तो पीपल ऑफ इंडिया वुड बी गिविंग टू पीपल आउटसाइड, यू नो, एंड पीपल ऑफ लाइक वहाँ के लोग हमें देते हैं, हम वहाँ पे देते हैं, दैट वे. तो वो जो नेट रिसीट वाला पार्ट होगा वो मीनिंग हुआ यहाँ पे नेट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड. आई अज्यूम दैट तुमको अभी ये समझ में आता है. ये प्राइवेट इनकम हुआ. तो तुम बोलोगे मैम शुरू में मैं तुमसे बोल नहीं रही थी कि कुछ भी कैलकुलेशन ये लोग करते हैं तो दिक्कत ये नहीं कि आता नहीं है, दिक्कत ये कि उन्होंने पूछा क्या और जवाब में उन्होंने क्या दिया. तो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने अभी आएगा तो उसके अंदर में उन्होंने बोला कंप्यूट पर्सनल इनकम. तो पर्सनल इनकम, यू नो, यू गो एनी वेयर फॉर दैट मैटर, एनी कॉन्टेंट, एनी बुक और एनी योर मॉड्यूल. पर्सनल इनकम मीन्स बेसिकली NNP एट फैक्टर कॉस्ट एंड ऑल दिस माइनस कॉर्पोरेट प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स बेसिकली एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट एंड ऑल दैट. वही होता है ना. इन्होंने शायद ये लोग बोलना चाह रहे थे प्राइवेट इनकम और बोल दिया पर्सनल इनकम. तो यू गेट कन्फ्यूज देन, यू नो, काइंड ऑफ. और मैं सोच भी रही थी कि डेटा इतना सारा क्यों दे रखा है इन्होंने, यू काइंड ऑफ पर्सनल इनकम के लिए तो ये कैलकुलेशन में ये सारी चीज़ें नहीं आती है तो क्यों दिया है. बट देन तुमको थोड़ा सा स्मार्टली करना पड़ेगा या सारे सम्स करके जाने पड़ेंगे, नहीं पता क्या. बट क्या करें अभी उन चीज़ों का, कुछ देर इज़ नो लाइक नथिंग लाइक क्या डिस्कस नहीं कर सकते. 7 लास्ट वन, पर कैपिटा इनकम. सो व्हाट इज दिस? बेसिकली नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, दैट्स अ रियल रियल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन इज योर पर कैपिटा इनकम. यानी हर आदमी के हिस्से में कितना आता है वो कैलकुलेशन हो रही है. ऑफकोर्स US की बहुत ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है, इंडिया की बहुत कम है, बट दैट्स ओके. सो नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इस पर कैपिटा इनकम. सो गाइस आई थिंक आई वी हैव कवर्ड जो भी रह गया था. अगर बीच में इफ़ वी कम अक्रॉस समथिंग आई विल डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. तो ये सारा तुम्हारा हो गया अभी.
राइट, ये सारा कवर मैंने बहुत अच्छे से कवर कर दिया है थैंकफुली, सारे कॉन्सेप्ट्स याद भी थे, सब कुछ याद भी था। तो ये देखो फटाफट, ये तुम्हारी स्क्रीन रही, एक और स्क्रीन आएगी इसके अंदर में। तो आई थिंक विद दिस वी आर डन विद दिस कॉन्सेप्ट, सारा डिस्कशन जो था, दैट इज़ वाई दिस चैप्टर्स टेक टाइम ना, ज़्यादा समय लगता बिकॉज इतनी सारी चीज़ें क्या छोड़ूँ इसके अंदर में मैं। ओके अभी गाइस इसके बाद हम लोग आई थिंक हम लोग को सम्स करना शुरू कर देना चाहिए। तो पहले मल्टीपल चॉइस लेते हैं यू नो लाइट मोड में, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द प्रॉपर सम्स। तो आई थिंक 16-17 सम्स तो हैं ही तुम्हारे, इसमें सारे करवा दूँगी मैं। स्टार्ट करें, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, शीट में सब दिया हुआ है। ओके और अगर शीट नहीं है तो मॉड्यूल निकालो, मॉड्यूल के पीछे जितने सम्स दिए हैं वही सारे डिस्कस करने वाली हूँ। ओके और उसके बाद और क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड सम्स। सो गाइस ये भी कोई, अभी फ़िलहाल तो मैंने कोई भी सम अपने पास में से नहीं लिया है, आई हैव नॉट टेकन लाइक एनी थिंग फ्रॉम आउटसाइड। वॉट एवर सम्स दे हैव गिवन इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल या फिर कहीं भी पूरे चैप्टर के अंदर में, सारे जो सम्स मैंने काउंट किए तो लगभग आई थिंक इट वॉज 17, ऑल द एग्जाम्पल्स शुरू से लेके लास्ट तक 17 सम्स थे, वो सारे करा दूंगी। तो मुझे लगता है कि इतना करने के बाद तुम्हारा खुद का कंट्रोल भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और बाद में तुम चाहो तो RTP MTP वगैरह जो भी तुम चाहो तो तुम कर सकते हो, और मुझे लगता नहीं कि तुम्हें कोई दिक्कत इतनी होनी चाहिए। ओके सो आई एम श्योर गाइस, शीट अगर है तो निकाल लो, और नहीं तो फिर मॉड्यूल लेके भी तुम चालू हो सकते हो मेरे साथ। सो आई एम स्टार्टिंग नाउ। सो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस करने के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बहुत माइन्यूटली तुम्हें बुक की जो रीडिंग है, मॉड्यूल की जो रीडिंग है, वो बहुत माइन्यूट लेवल पे होनी चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव ट्राइड टू स्टिक टू द मॉड्यूल क्वाइट अ लॉट एक्चुअली। कई बारी बाहर जाके पढ़ाना होता है क्योंकि अल्टीमेटली समझाने के लिए मुझे एक अपना पैटर्न फॉलो करना है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मुझे जाना है। बट देन आई हैव ट्राई टू स्टिक टू द मॉड्यूल, एंड इफ़ यू सी द मॉड्यूल आफ्टर दिस चैप्टर इज़ ओवर, आई डोंट थिंक यू शुड बी लाइक गेटिंग एनीथिंग न्यू जो तुमने नहीं देखा है। ओके चलो शुरू करते हैं, धीरे धीरे बीच बीच में बातें करते रहेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंट यूनिट इन्वॉल्व्ड इन द डेफिनेशन ऑफ GDP डिनोट्स ए a business enterprise which belongs to a citizen of India which with production units solely situated in India। ये जो तुम्हारा मल्टीपल चॉइस है ये वाला, इससे रिलेटेड थ्योरी मैंने मॉड्यूल में पूरा मैंने तो देखा, मुझे नज़र नहीं आया, अगर तुम्हें दिखता है तो बताना मुझे, बस मुझे नज़र नहीं आया। और मैं तुमको पहले बता देती हूँ कि इसका आंसर बी होगा। ओके द यूनिट हैविंग प्री डोमिनेंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री फॉर वन ईयर और मोर रिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी और लीगल स्टेटस, को क्या बोलते हैं, रेसिडेंट यूनिट। अ सिटीजन हाउस होल्ड विच हैड बिन लिविंग इन इंडिया ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर एंड वन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर सोलेली इन इंडिया। नहीं ये सही नहीं है। हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस कंपोज ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया अलोन लिविंग इन इंडिया ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर, ये भी सही नहीं है। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दिस वन एक्चुअली। ओके आई होप यू ये ध्यान कर लेना, बिकॉज थियोरी जो जिस चीज़ की अवेलेबल नहीं है उसकी थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट गाइस अगर पूछते हैं तो आई एम श्योर ऐसा सारा नहीं पूछ लेंगे कि तुम कर नहीं पाओगे। आई मीन देखो पेपर जब तुम्हारे सामने आएगा ना, तो ये भी मत सोचना कि यू नो द होल ऑफ द पेपर वुड बी लाइक समथिंग दैट यू विल बी एबल टू डू। देर वुड बी सम 5% 10% स्टफ विच यू डू नॉट नो पॉसिबली, बट देन द पेपर विल बी फॉर हायर अमाउंट ऑफ मार्क्स और तुमको चूज़ करने को मिलेगा वहाँ पर, राइट। तो ला सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो, FM और ECO को मिला करके यू कैन रियली स्कोर गुड, बिकॉज जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं रहती है यहाँ पे। ओके देन फर्दर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कंसिस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड एज इनपुट्स बाय अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज कंप्लीटली करेक्ट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सक्लूड्स फिक्स्ड एसेट्स whose consumption is recorded as consumption of fixed capital, this is also correct guys। That means consumption of fixed capital is not, the value of the consumption of the fixed capital is not considered as intermediate goods or something like that, right na? I hope you understand that part। ye dono statements sahi hain and that is why I can say B is correct, that means both 1 and 2 are true।
कंफर्टेबल. देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ऑफ एनी नेशन एक्सक्लूड्स कैपिटल कंजम्पशन एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ओके. देन इज इंक्लूसिव ऑफ कैपिटल कंजम्पशन और डेप्रिसिएशन. इट इज इंक्लूसिव डेफिनेटली. ओके. देन इज इंक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बट एक्सक्लूड्स सब्सिडीज. आई थिंक गाइज ओनली बी इज करेक्ट हियर. क्या बोलते हो तुम बोलो. जीडीपी ऑफ एनी नेशन क्या बोल रहा है. जब जीडी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस वर्ड आ गया ना, तो अगर ग्रॉस आया तो इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन ना, मैं ये बोलना चाह रही थी. तो एक्सक्लूड्स कैपिटल, ये गलत है. ये सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, इज इंक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. ये भी गलत है, ये भी गलत है. ये जो सी है ना, ये होने के लिए फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस वाली चीज़ है. लाइक जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट वाली अगर चीज़ के बारे में क्वेश्चन होता, देन दिस वुड हैव बीन रेलिवेंट एक्चुअली. ओके. नाउ फोर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. वैल्यू एडेड रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. ये सही है, बिल्कुल करेक्ट ना. वैल्यू एडेड रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट. ओके. आई थिंक वैल्यू एडेड मेथड में जो हम मेथड नहीं कर रहे थे अपन, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, करेक्ट ना. और फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर रहे थे, तो हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड आ रहा था. वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे. वैल्यू एडेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. फिर लिखा हुआ है वैल्यू एडेड रिप्रेजेंट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस. ये भी करेक्ट है, यानी वन एंड टू बोथ आर करेक्ट. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज हुज वैल्यू इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम कैलकुलेशन एज इट विल इन्वॉल्व डबल काउंटिंग. नो नो, इट इज नॉट. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम बिकॉज देयर वैल्यू कैन नॉट बी असेस्ड टू सेल इन द मार्केट. लाइक जो यू नो काइंड ऑफ मदर अपने बच्चों की जो यू नो देखभाल करती है, परवरिश करती है, वो मार्केट में बेचते नहीं हैं हम जा करके, राइट. दैट इज़ वाई उसकी जो वैल्यू है उसी जगह पे, अगर तुम कोई यू नो काइंड ऑफ कोई हाउस होल्ड हेल्प को रखोगे, लाइक कोई गवर्नेस को रखोगे या कोई हेल्प को रखोगे जो बच्चे की परवरिश करती है या उसको बड़ा करने में हेल्प करते हैं, तो उसकी सर्विसेज की जो वैल्यू है वो नेशनल इनकम में ऐड होगी, मदर की नहीं होती. वो बात हो रही है, तो डबल काउंटिंग वाली तो बात ही नहीं आती है. दोज विच प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बट सिंस दीज आर नॉट एक्सचेंज इन द मार्केट ट्रांजेक्शन दे डू नॉट कमांड एनी मार्केट वैल्यू. आई थिंक दिस इज अ करेक्ट वन, बट वी शुड रीड द अदर टू ऑल्सो. दोज विच डू नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज दे आर मेंट टू प्रोवाइड हॉबीज एंड लेजर टाइम एक्टिविटीज. नहीं, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं बोलते. Those which result in the production for self-consumption and therefore not included in national income calculation. Production for self-consumption is definitely included in national income, and that is why only B is correct for that. Which of the following does not enter into the calculation of national income? Okay. Exchange of previously produced goods, not enter. Okay. Ye nahi aayega. Nahi enter hota. Exchange of second-hand goods, ye bhi nahi enter hota. Uske upar एक्सचेंज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, लाइक जो तुम्हारा प्रॉपर्टी है, कोई कार है सेकेंड हैंड, ओके, उसमें जो ब्रोकरेजेस कमीशन वगैरह जो इन्वॉल्व होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, लेकिन उन चीज़ों की वैल्यू ऐड नहीं होती नेशनल इनकम में. एक्सचेंज ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, ये तीनों ही नहीं आता. तो ऑल ऑफ द अबव, आई थिंक यू शुड बी कंफर्टेबल गाइज. देन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटर्स इन टू द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. ओके, द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज दैट अकंपनी द सेल, additions to the inventory stocks of final goods and material. Okay, stocks and bonds sold during the current year. I think only A and B. The value of the services that accompany the sale. Okay, and additions to the inventory of the stocks of final goods and materials. Tum samjhe kya matlab hua iska? Ki the value of services that accompany the sale. Matlab किसी चीज़ की अगर सेल कर रहे हो तो उसके साथ में जो सर्विसेज होती है उसकी वैल्यू जो होगी ना, फॉर एग्जांपल अगर सेकेंड हैंड गुड्स, अभी तुरंत एग्जांपल दिया, अगर सेकेंड हैंड गुड्स है तो सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू नहीं ऐड होती बिकॉज वो इस साल के प्रोडक्शन में नहीं आता है. लेकिन उस सेल के साथ में जो सर्विसेज आती है, जैसे जो मैंने बोला ब्रोकरेज कमीशन नॉन, वो कंपनी वो नेशनल इनकम में आएगा. एंड एडिशन टू द इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक्स ऑफ द फाइनल गुड्स एंड मटेरियल्स. इन्वेंट्री जो कि ना तो इंटरमीडिएट गुड के तौर पर गया और ना ही उसकी सेल हो पाई, तो
तो जो क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे रह गया एडिशन वाला पार्ट वो ऐड होता है, तुमको पता है ऑलरेडी, तो आई थिंक डी इज करेक्ट. जीएनपी एट मार्केट प्राइसेस इज जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. आई थिंक वन ए इज करेक्ट. ये तो बिल्कुल ही गलत है, बी बिल्कुल गलत है, सी भी गलत है, ये भी गलत है. मार्केट प्राइसेस ऑलरेडी डी में है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करने का सवाल ही नहीं है. माइनस करोगे तो जा करके वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा. सो ऑल ऑफ देम आर नॉट करेक्ट एक्सेप्ट ए, ए इज करेक्ट. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. जीएनपी इंक्लूड्स अर्निंग्स ऑफ इंडियन कॉरपोरेशंस ओवरसीज एंड इंडियन रेसिडेंट्स वर्किंग ओवरसीज. ओके, बट जीडीपी डज नॉट इंक्लूड दीज. करेक्ट है ये तो करेक्ट है ना गाइस. जीएनपी इंक्लूड्स अर्निंग्स ऑफ इंडियन कॉरपोरेशंस ओवरसीज एंड इंडियन रेसिडेंट्स वर्किंग ओवरसीज, बट जीडीपी डज नॉट इंक्लूड दिस. दिस करेक्ट कंप्लीटली, ये करेक्ट है. और क्या देख लेते हैं. एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट नेशनल इनकम. ओके, एंड फैक्टर इनकम अर्नड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नो, दिस इज रॉन्ग, दिस नॉट करेक्ट. कैपिटल गुड्स एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंप्यूटेशन ऑफ जीडीपी. ये सेंटेंस भी करेक्ट नहीं है, ये सेंटेंस भी करेक्ट नहीं है. एनडीपी एट मार्केट प्राइसेस, ये गलत है. ये माइनस होगा तो जा करके, डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे तो एनडीपी. तो आई थिंक ओनली ए इज करेक्ट. द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इज. ओके, आई थिंक नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. आई थिंक बी इज करेक्ट हियर. ये तो बहुत सिंपल है, तुमको भी आता है. इफ़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव तो क्या होगा. अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव है तो क्या होगा पता है तुम्हें. जीएनपी जीडीपी से ज़्यादा होगा. नेशनल इनकम विल बी ग्रेटर देन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम्स. करेक्ट. नेशनल इनकम के अंदर, नेशनल इनकम के अंदर में एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है, राइट ना. तो वही तो नेशनल इनकम, तो उसको ही बोलते हैं. तो विल बी ग्रेटर देन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम. दैट्स करेक्ट. यानी कि डोमेस्टिक फैक्टर इनकम्स इनकम इज वॉट जीडीपी सॉर्ट ऑफ. ओके, तो दिस इज करेक्ट. द जीडीपी पर कैपिटा इज अ मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन. दैट इज करेक्ट. एक्चुअल करेंट इनकम रिसीट ऑफ पीपल. नो, इट इज नॉट करेक्ट. नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. दैट मीन्स ए एंड सी आर करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट. ओल्ड एज पेंशंस एंड फैमिली पेंशंस, दिस विल कम अंडर ट्रांसफर पेमेंट. मतलब इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, उसको ट्रांसफर पेमेंट्स बोलते हैं. इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड. ओके. स्कॉलरशिप्स गिवन टू द डिजर्विंग डिलिजेंट स्टूडेंट्स. कॉम्पनसेशन गिवन फॉर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू फ्लड्स. ऑल ऑफ अबव आएगा. मिक्सड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स नेट प्रॉफिट्स रिसीव्ड बाई सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल. नो, प्रॉफिट्स खाली नहीं होता, सारी चीज़ें इसमें मिक्स रहती हैं. आउटसाइड वेजेस रिसीव्ड बाई सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल. नो. कंबाइंड फैक्टर पेमेंट्स विच आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल. दिस करेक्ट आंसर. Wages due to non-economic activities. No, this is not the correct answer. Which of the following is added to national income while calculating personal income? Okay. Which of the following is added to national income while calculating personal income? Add बोल रहे हैं ना, तो transfer payment हम add करते हैं. Undistributed profits of the corporate, ये तो हम minus करते हैं. Mixed income, ये this is not like relevant. Only first one will be your answer. And now guys, I think we should start with the practical questions. And फटाफट 17 questions should not take more than an hour. उससे ज़्यादा समय, मतलब वो भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ तुमको. और वो ख़त्म करने के बाद मुझे पता है क्या बताना है तुमको. मुझे बताना है रियल जी डी पी, नॉमिनल जी डी पी, जी डी पी डिफ्लेटर. बहुत ईजी है. उसके बाद दो तीन यू नो सम थियरी टॉपिक, स्मॉल स्मॉल वंस पढ़ा रही हूँ, तो पूरा पढ़ा देती हूँ अच्छे से ताकि तुम्हें याद हो जाएगा. शुरू करें. ओके, सो लेकिन एक बात ना शुरू करने के पहले, छोटी सी, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है. स्क्रीन पे मैं सम्स नहीं रख पाऊँगी बिकॉज मुझे मेरी स्क्रीन चाहिए होगी लिखने वाले. आई नीड टू राइट द सम्स एंड द सॉल्यूशंस. सो गाइस, ये सम्स सारे, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर तुम उसे पूछोगे ना कि मैम आप पेज नंबर बता दो, तो पेज नंबर 1.16 कहाँ से बोल रही हूँ, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से बोल रही हूँ. 1.16 वहाँ से न्यूमेरिकल चालू हुए हैं. बस हमें डेटा मैच करोगे तो पता चल जाएगा ना कौन सा सम पढ़ रही हूँ मैं, अगर शीट नहीं है तो. और अगर शीट है तब तो कोई टेंशन है ही नहीं, और शीट होगी तो मेरे पास, क्योंकि बुक है तुम्हारे पास, राइट ना. तो 1.16 के मॉड्यूल से शुरू हुआ है. जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे बैक टू बैक मैंने फ्लो में 1 to 17 लास्ट तक चली गई मैं.
तो आई नीड टू रिमूव दिस शीट फ्रॉम माई स्क्रीन बिकॉज आई नीड टू टेक माई स्क्रीन ऑफ वन नोट, तब तो मैं लिख पाऊंगी ना. स्टार्ट करते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर वन गाइज, विच वन, विच टॉपिक आर वी डूइंग? वी आर डूइंग दिस वन, ये वाला. चलो ओके, क्वेश्चन क्या है वो देखो. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. जस्ट बी वेरी कंफर्टेबल, तुमको सब आता है इसमें. एन एन पी एट मार्केट प्राइसेस, देन जी एन पी एट मार्केट प्राइसेस एंड जी डी पी एट मार्केट प्राइसेस. ओके, इफ यू डू नॉट रिमेंबर लेट मी टेल यू, रेंट, प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, करेक्ट है? देन गाइज यू हैव कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. एक बात आगे बढ़ने के पहले, चाहो तो अपने रनिंग नोट में नोट डाउन करके लिखना. मैंने ना एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि सम्स के अंदर में अगर वेजेज एंड सैलरीज दिया हुआ है और साथ में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिया हुआ है, समझ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, तो दोनों को ऐड करना है तुमको. कहने का क्या मतलब हुआ कि वेजेज एंड सैलरीज जो जो तुमने पे किया, जो कंपनीज ने पे किया और जो हाउस होल्ड के हाथ में आया, और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लाइक पीएफ एंड ऑल, उनके नाम पे जरूर है बट उनके हाथ में मिला नहीं, लेकिन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में तो दोनों ही आएगा ना. अल्टीमेटली जो कंपनी तुम्हारे नाम से पैसा पीएफ में ट्रांसफ़र करती है, ओके, वो पैसा तो काउंट में तो लोगे, है तो तुम्हारा ही पैसा ना, अल्टीमेटली तुम बाद में निकालोगे, दैट डजेंट मैटर एट ऑल, राइट? तो ध्यान देना, अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया है इसका मतलब है इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ वेजेस एंड सैलरीज एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. अगर उन्होंने वेजेस एंड सैलरीज और उसके बाद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिया तो दोनों को तुम ऐड करना, ये चीज़ का ध्यान देना. खास करके मेरे से पहले जब मैं पढ़ती तब मुझसे बहुत गलती होती थी, बिकॉज दिमाग में ना कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज और वेजेस एंड सैलरीज हमें एक ही लगता है, हम इतना सोच नहीं पाते. तो नोट डाउन करके रख लो, कहाँ पे सम्स में आएगा ही तुम्हारे सामने वैसे भी. ओके, तो आई थिंक ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर मैं ऐड करूँगी तो पता है क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फैक्ट एंड प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ये सारे अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो मेरे को आता है एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट. आई एम श्योर गाइज यू अंडरस्टैंड, फैक्टर इनकम, इनकम के हिसाब से एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, राइट? अब एन एन पी एट मार्केट प्राइस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स को उसमें ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट है? एंड जी एन पी एट मार्केट प्राइस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें तुमको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ऐड करना पड़ेगा, ओके? और जी डी पी लाने के लिए, एट मार्केट प्राइस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना पड़ेगा. आई एम श्योर यू आर गेटिंग इट. ऑल द थ्री मॉडल्स इफ यू रिमेंबर, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर इट और नॉट, तीन थे ना तुम्हारे. एक था वैल्यू एडेड मेथड था, वैल्यू एडेड मेथड के बाद था इनकम मेथड था, और थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड था. तो द मेथड दैट वी आर यूजिंग और द अप्रोच दैट वी आर यूजिंग इज द इनकम मेथड. सो बेसिकली, मुझे मौका भी मिलेगा तुमको समझाने का. सो बेसिकली व्हाट इज जी डी पी, व्हाट इज जी एन पी, द टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री, करेक्ट ना? अगर तुम वैल्यू एडेड मेथड से जाते, सुनना ध्यान से, अगर तुम वैल्यू एडेड मेथड से जाते तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते, कैसे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके, राइट? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जब तुम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करोगे तब तुमको क्या आएगा पता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ध्यान रखना इन चीज़ों का. और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में से तुम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जब माइनस करोगे और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को माइनस करोगे तो तुमको आ जाता है एनडीपी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा. और उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करोगे तो वो बन जाएगा नेशनल इनकम. आई होप गाइस ये पूरा फ्लो पता है. अगर नहीं याद है तो लेक्चर को पॉज करो, जाके पूरे नोट्स को पहले रिवाइज करो, फिर वापस आओ. वरना क्या होगा कि सारे सम्स मैं ही कर रही हूँ तुम्हारे, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, राइट? तो मैं चाहती हूँ तुम पार्टिसिपेट करो. तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. वेन यू टेक अप्रोच ऑफ इनकम मेथड, नेशनल इनकम मेथड, देन रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट,
कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड मिक्सड इनकम, ये फाइव आते हैं. इन पांचों को तुम ऐड करोगे ना तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा. एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट टोटल ऑफ फैक्टर इनकम ही हुआ ना, वही तो तुमको निकालना है. तुम जब ग्रॉस में निकालते हो तो माइनस करके तुम फैक्टर इनकम तक आते हो. जब बट इन इनकम मेथड तुम फैक्टर इनकम्स को ही सिर्फ ऐड करते हो, बाकी कुछ ऐड नहीं करते, तो ऑब्वियस ही बात है तुमको सीधा आता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करोगे तो वो बन जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. उसमें तुम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऐड कर दोगे तो ग्रॉस आ जाएगा, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर ऐड कर दोगे तो बन जाएगा वो जीएनपी एट मार्केट प्राइस. आई होप यू आर फाइन. आगे बढ़ते हैं, क्या क्या निकालना है, चलो शुरू करते हैं अपन. सो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट विल बी इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्विकली. देन अलग अलग ऐड नहीं करके सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस देन प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, बिकॉज वी कैनॉट डिस्टिंग्विश दैट एम्प्लॉयड. ओके, तो दिस विल गिव यू, यू नो वॉट, दिस विल फाइव आइटम्स ऑल इन ऑल, थ्री इन ऑपरेटिंग, वन कॉम्पनसेशन, एंड दिस इज द फिफ्थ वन. ओके, एंड प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट विल बी 2000, नो आई नीड टू टेक इन ऑर्डर ओनली, 1000 प्लस 2000 then 1100. okay, and it is negative guys, so minus 50 tumhare upar hai ki tumko answers module se dekhne hain ki nahi dekhne hain. nahi dekhoge to zyada acha rahega, cross check karna hamesha acha hota. I get 4050 jis order mein unhone likha hai, koi zaruri nahi hai main us order mein likhna chahti hu. okay, now nnp at market price will be NNP at factor cost plus net indirect tax. क्या आता है net indirect tax में? Obvious सी बात है, indirect tax minus subsidy आएगी. लेकिन indirect taxes में क्या आएगा? Excise आएगा, value added tax आएगा, ये सारी चीज़ें जितने भी indirect taxes होते हैं ना, वो customs duty, ये सब सारी चीज़ें आती हैं. So 4050 प्लस 4500 करेक्ट. फिर क्या मांगा है? जीएनपी एट मार्केट प्राइस. सो जीएनपी एट मार्केट प्राइस विल बी एनएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ओके. सो दिस विल बी 4500 प्लस 400, सो दिस विल बी 4900 CR करेक्ट. एंड दिस इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस. सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस विल बी जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सो कैन आई राइट लाइक दिस, 4900 CR माइनस, ये नेगेटिव है ना, तो माइनस 50 हो जाएगा तुम्हारा. सो बेसिकली यू हैव टू ऐड 4950 CR. आई थिंक वी आर करेक्ट गाइस. ऑर्डर इज़ नॉट सेम, तुमको जैसे निकालना है यू कैन कैलकुलेट द वे यू वांट. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी हैव टू फॉलो देयर लाइक एवरीथिंग. मैं एक बात और बोल रही थी कि जो क्वेश्चन के जो ऑर्डर मैंने तुमको दे रखे हैं ना, तो आई थिंक गाइस पहले मैं चाहती हूँ ना कि थोड़े जो मैनेजेबल सम्स हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो अगला वाला इलस्ट्रेशन अगर तुम मॉड्यूल में देखते हो ना, या तुम्हारी शीट में जो अगला सम दिया क्वेश्चन नंबर टू, अपन उसी हिसाब से बात करते हैं. वो सम्स थोड़े से हैवी लेवल के हैं, तो मैं क्या चाहती हूँ ना कि थोड़े से पहले अपन ईजी वाले करते हैं, सो दैट कि थोड़ा सा कंट्रोल आ जाएगा ना, फिर देन वी कैन गो लाइक, मतलब मैं चाहती हूँ थोड़ा सा तुम्हारा मतलब कंट्रोल बढ़ जाए, उसके बाद मैं कराऊँ तुमको वो सारे सम्स तो दिक्कत नहीं होगी. वरना क्या होगा, शुरुआत में हैवी सम्स, बिकॉज देन टुवर्ड्स द लास्ट यू विल फील इट लाइक
बहुत कुछ लेम काम हो रहा है. सो लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पहले 5 करते हैं. आई हैव लाइक अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑल्सो जो मैंने खुद से लाइक थोड़ा बना के थोड़ा इधर उधर से लाइक आई हैव अरेंज्ड अ फ्यू हैवी क्वेश्चन. दे आर वेरी वेरी हैवी क्वेश्चंस. तो पॉसिबली अभी तो फिलहाल आई एम जस्ट स्टिकिंग टू द मॉड्यूल ओनली, बट वेन एवर इफ आई गेट टाइम आई विल डेफिनेटली वॉन्ट टू डू दो सम्स विथ यू सो दैट यू कैन हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन द टॉपिक. ये तो सिर्फ ICI के सम्स हुए, थोड़े और बेटर सम्स करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. कैलकुलेट नेशनल इनकम बाई वैल्यू एडेड मेथड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा. देखो यहाँ लिखा हुआ है सेल्स, लिखा हुआ है 700, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. तो सबसे पहले क्या करेंगे वैल्यू एडेड मेथड में, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे. निकालना क्या है, नेशनल इनकम. ओके, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसलिए आई टोल्ड के पहले इजी सम्स करो थोड़े. वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक मीन्स क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. ओके, सो सेल्स इज 700 प्लस 400 माइनस 500. यू कैन टेक दिस इन टू ब्रैकेट्स लाइक, सो विल गेट वॉट 600 करोड़ रुपीज, 600 CR. ओके, देन ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. आई होप यू अप्रिशिएट एंड यू रिमेंबर दैट. That's value of output. Machine के जैसे हाथ चलना चाहिए पेपर के अंदर में. Final में भी यही बात बोलती हूँ, इंटर में भी यही बात बोलूँगी. Machine जैसे मशीन चलती है ना बिना रुके बगैर, इतनी concept में clarity होनी चाहिए तुम्हारे. Minus intermediate consumption. So value of output is rupees 600 CR. अगर तुम्हारे दिमाग में ये आई बात कि मैम ने ऊपर वाले समय रुपीज़ और करोड़ यूज़ नहीं किया, यहाँ पे कर रही हैं, तो जैसे जैसे मन हो रहा वैसे कर रही हूँ, कोई रूल फॉलो नहीं कर रही. ओके, माइनस रुपीज़ 350 करोड़ करना है तो सब जगह करना, वरना फाइनल आंसर में लगा के निकाल देना. ओके, सो आई थिंक दिस वुड बी 250 करोड़. क्रॉस चेक करना हमेशा अच्छा होता है, नॉट दैट कि वी डू नॉट नो स्टिल. ओके, देन ओके, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस विल बी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन. दिया है ना डेप्रिसिएशन का डेटा उन्होंने. सो रुपीज़ 250 CR. ओके, माइनस रुपीज़ 150 CR, करेक्ट. सो दिस विल बी लाइक व्हाट, रुपीज़ 100 CR, करेक्ट ना. और नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट विल बी नेट वैल्यू एडेड. मैं तुमसे प्रैक्टिस भी कराना चाहती हूँ थोड़ा, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा भी लिख रही हूँ. माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो तुमको पता होना चाहिए, दिमाग चलाओ अपना, जो तुमने लास्ट सम किया वो ऑलरेडी एट फैक्टर कॉस्ट और नेट था ओब्वियसली. यहाँ पर तुमने क्या ऐड किया, सेल्स और क्लोजिंग वैल्यू तुमने चेंज इन स्टॉक ऐड किया, राइट. तो तुम ऑलरेडी P&L के टॉप लेवल पे थे, राइट. तो उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स भी माइनस होगा, सब्सिडी भी ऐड बैक होगी, डेप्रिसिएशन भी माइनस करोगे. आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट मैं क्या बोल रही हूँ. क्यों वहाँ पे जो हमने जब ऐड किया तो ऑलरेडी वो नेट था और फैक्टर कॉस्ट पे था, बिकॉज ऑफ फैक्टर इनकम ही सिर्फ दे रखी थी. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सो आई होप दे हैव गिवन इट. दिस विल बी रुपीज 100 CR नेट इनडायरेक्ट. सो लिखा हुआ एक्साइज टैक्स, सो गाइस माइनस रुपीस 110 करोड़ एंड प्लस रुपीस 50, करेक्ट. सो दिस विल गिव यू 100 माइनस 110 एंड प्लस 50 विल गिव यू रुपीस 40 CR, करेक्ट. NVA एट नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड NDP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ओके, तो नेट NDP एट फैक्टर कॉस्ट में अगर तुम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दोगे तो वो NNP एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, करेक्ट. सो
नेशनल इनकम और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट विल बी ₹40 करोड़ प्लस रुपीस. गाइस देयर मेथड एंड आवर मेथड इज पॉसिबली नॉट सेम बट आंसर तो मैच करने ही चाहिए. देखो जाके आई थिंक आंसर सही है. दिस इज व्हाट इज द आंसर. द फ्लो माइट नॉट मैच बट देन व्हाट आई विल डू द वे माई ब्रेन आस्क्स मी टू फ्लो फॉर दैट मैटर एंड आई होप यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. ये सारे सम्स थोड़े मैनेजेबल हैं. वो जो सम्स है ना 2, 3, 4 वो थोड़े टफ वाले क्वेश्चंस हैं एंड आई हैव ओनली 3 क्वेश्चंस बिकॉज आई बुक में उतने ही क्वेश्चंस हैं. तो उसी तरह के और क्वेश्चंस भी मैंने उठाए हुए हैं. देखती हूँ टाइम मिलेगा तो वो भी करा दूंगी. हैवी है काफ़ी जो मैंने अरेंज कर रखा है. लेट अस सी व्हेन वी डू. तो लॉट मेनी चैप्टर्स आर पेंडिंग. क्वेश्चन नंबर 6. कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा. ओके सो दे हैव गिवन यू गाइस सेल्स दिया हुआ है. ओके एंड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है. ध्यान देना मेरा दिमाग जाने लगा इसमें. एंड रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट का जो टोटल होता है उसको ही बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस. रेंट और इंटरेस्ट है. ओके और नेट इनडायरेक्ट टैक्स तुमको दिया हुआ है यहाँ पे और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी दिया हुआ है और मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है. ठीक है तो अपने एक काम करते हैं कि कहाँ गया ये ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेते हैं ना अपन. अपन क्या करते हैं सेल्स जो है तुम्हारे. अब देखो चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा है राइट. तुम नेशनल इनकम किसी भी तरीके से निकालो ना क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें. नेशनल इनकम को तुम कोई भी मतलब ये चीज़ का तुम ध्यान रखना कि आइडियली तीनों मेथड से नेशनल इनकम सेम आने चाहिए. तो मैं वैल्यू एडेड मेथड से निकाल लेती हूँ फिर उसकी बाइफर्केशन ले लेती हूँ. कर सकते हैं ना वो चीज़ अपन. तो सेल्स दे रखा है सपोज. और देखो तुम ध्यान कैसे गया मेरा कि यहाँ पे तुमको इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है 600. तो दिमाग में तुरंत क्लिक किया कि ये वाले जो आइटम है ये कहाँ पे यूज़ होता है. ये वैल्यू एडेड मेथड में यूज़ होता है. तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इज़ योर वैल्यू ऑफ आउटपुट राइट. वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देती हूँ तो आई विल गेट सेम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइसेस. करेक्ट है. अब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइसेस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमें मिलेगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. आई होप यू अप्रिशिएट दैट. एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया राइट. और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या आता है. एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या आएगा. कॉम्पनसेशन नेशनल इनकम हो गया ना. मतलब नेशनल इनकम नहीं हुआ. एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज वॉट. टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम. अल्टीमेटली द टोटल ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. सुनना ध्यान से. द टोटल ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस. ओके एंड प्लस मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम राइट ना. तो ये टोटल जब हम लोग करते हैं पाँचों जब ये पाँच चीज़ हम टोटल करते हैं तो हमें क्या मिलता है. टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. आई होप यू आर फाइन गाइज. अब इसमें जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब मैं ऐड करती हूँ तब जाकर के वो बनता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. करेक्ट है. तो बेसिकली एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तो मुझे मिल गया ना. और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर मुझे मिल गया यानी कि उसी के अंदर में क्या क्या है. कॉम्पनसेशन कहाँ गया वो. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ माइनस करूँगी और मिक्स्ड इनकम को अगर माइनस कर दूंगी तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या होगा. ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस में से तुम रेंट और इंटरेस्ट अगर माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा. प्रॉफिट का कंपोनेंट मिल जाएगा जो कि उन्होंने पूछा भी नहीं है. आई होप यू आर फाइन. सो वन थिंग यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर. बोलोगे तो नोट बना के लिखती हूँ. आइडियली नेशनल इनकम कंप्यूटेड बाय any of the three methods, value added method, expenditure method and income method, any of the three methods should be the same. Correct? So we can compute. I hope you are fine.
ध्यान रखना इस बात का। टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अगर कंफ्यूजन हो रही तो फिर से रिवाइज करो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, उसके अंदर तीन है ओके, प्लस मिक्स्ड इनकम, टोटल आइटम कितने हुए, तीन ऑपरेटिंग के, एक कॉम्पनसेशन और एक मिक्स्ड इनकम, कितने हुए, पांच हुए ओके। ये पांच को बोला जाता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ओके। इसमें तुम ऐड कर दोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो वो बन जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब नेशनल इनकम। बट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कुछ आइटम यहां पे है क्या क्वेश्चन के अंदर में, नहीं, और इसलिए दिया भी नहीं है ओके। तो अपने क्या करेंगे, वैल्यू एडेड मेथड से एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालोगे, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालोगे तो वो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो गया। उसमें से कॉम्पनसेशन और मिक्स्ड इनकम अगर माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा ऐसा। सो वी कैन कंप्यूट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बाय वैल्यू एडेड मेथड एंड कंप्यूट ऑपरेटिंग सरप्लस फ्रॉम द सेम। ओके सो लुक एट हियर नाउ। सो गाइस यहाँ पे ना वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए सेल्स और चेंज इन स्टॉक चाहिए, दिया है क्या, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ है सम के अंदर में, फिर भी एक एक आइटम देख रहे हैं बिकॉज मुझसे छूटता बहुत है वो सारा ओके। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस विल बी सेल्स, डायरेक्टली नहीं लिखना चाहती मैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक नहीं है तो मैं सिर्फ 4000 ही लूंगी एंड माइनस 600, तो ये हो गया 3400 करेक्ट। नाउ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट सीधा निकालते हैं अपन, तो ये हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल वॉट एवर एंड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करेक्ट। तो ये हो जाएगा 3400, कहाँ गया वो, माइनस 200 एंड माइनस 500, कितना हो जाएगा ये, सो 3400 माइनस 200 माइनस 500 विल गिव यू 2700 करेक्ट। नाउ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट करेक्ट, विच इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड प्लस मिक्स्ड इनकम करेक्ट ना, हो गया। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना है 2700, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ कितना है 800, ये तो अपने को निकालना है करेक्ट, वी हैव टू कैलकुलेट दिस। एंड मिक्स्ड इनकम कितना है, कहाँ गया वो, प्लस 400, निकाल दो गाइस। सो ऑपरेटिंग सरप्लस का आंसर होना चाहिए 2700 माइनस 800 एंड माइनस 400, आई थिंक कितना आया ऑपरेटिंग सरप्लस का आंसर, बराबर है 1500 आया। लेकिन फिर से वही बात बोल रही हूँ, मेथड सेम नहीं होगा, मुझे जैसे भी फ्लो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी बैच में अगर मैं इस फ्लो में चल रही हूँ तो अगली वाली बैच में भी ऐसा चल पाऊँगी, ये भी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, दिस इज दैट इज़ वन थिंग यू नो काइंड ऑफ स्टूडेंट्स ऑलवेज यूज टू टेल मी, दो तीन बैचेस के बच्चे जाते हैं ना जैसे, तो
अब क्या होता है, रिकॉर्डिंग में तो बच्चे सामने नहीं होते हैं, तो आई डोंट नो वॉट. अब अगर तुम सामने होते तो तुम शायद एक दो डाउट पूछते मुझसे, पॉसिबली. और उस डाउट को इन ऑर्डर टू लाइक केटर टू दैट डाउट, और या फिर तुमको समझाने के लिए मैं क्या करती, कुछ शायद वी कुड हैव रिटन सम मोर नोट्स एंड आई कुड हैव गिवन यू सम मोर एग्जाम्पल्स पॉसिबली. लेकिन अगर तुम मेरे सामने नहीं हो तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि तुम्हारे क्या डाउट आ रहा है, राइट? वो तो बाद में ही पता चलेगा. तो लाइव बैचेस में कैसे होता है कि इतनी सारी बैचेस जाती है ना, तो क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं, मैम आपने ना वो वाले बैच में ज़्यादा अच्छे नोट्स लिखाए थे. तो ऐसा मेरे दिमाग में नहीं होता है कि मैं उसमें अच्छा लिखाऊंगी, उसमें ख़राब लिखाऊंगी. मे बी इन सम बैचेस स्टूडेंट्स डू आस्क अ लॉट ऑफ लाइक, कुछ कुछ बैचेस ऐसे आती हैं जहाँ बच्चे है बोले मैम लिखा दो, ये भी लिखा दो, वो भी लिखा दो, दैट वे. सो वी एंड अप मेक एंड अप लाइक गिविंग यू नोट्स मोर एंड मोर. दैट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस, दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू से. तो वो ऑडियंस पे डिपेंड करता है. लेकिन अगर मैं खुद भी शायद रिकॉर्डिंग दोबारा जब करूँगी तो फ्लो ये सेम नहीं होगा सब, मतलब इसके बाद ही ये लिखूँगी ऐसा ये ज़रूरी नहीं है. मैंने कभी भी कोई मेरे दिमाग में फॉर्मेट नहीं है. हाँ, आंसर बराबर तुम्हारा मैच करा दूँगी मैं, ये मेरी गारंटी है. उसमें यू विल नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम, दैट दैट्स वॉट आई कैन प्रॉमिस यू. या फॉर श्योर, यस. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 7. अब इस बार मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी पढ़ो, रीड करो सम को, और रीड करके तुम वापस आओ. क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि अब मुझे लगता है थोड़ा तुम्हें कंट्रोल आने लगा होगा, राइट? सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. मतलब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि तुमने मुझे पॉज करके, तो मुझे पॉज कर दो, रीड करो, ट्राई करो क्वेश्चन अगर खुद से होता है तो, बिना देखे भी बगैर सोल्यूशन, एंड देन वापस मुझे बताओ हुआ कि नहीं. तब तक मैं रीड करती हूँ. कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड बोला हुआ है, ठीक है? ध्यान देना. वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द प्राइमरी सेक्टर, व्हेन दे से वैल्यू ऑफ आउटपुट इट मींस स्टैंडर्ड सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक. कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर में, लैंग्वेज में भी. इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, दैट मीन्स 2000 में से इफ आई रिड्यूस 200, दैट विल गिव मी, व्हाट विल इट गिव यू? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट अगर हटा दोगे तो क्या निकलेगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ द प्राइमरी सेक्टर. आई होप यू रिमेंबर कि इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी इकॉनमी को तीन सेक्टर्स में डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी, प्राइमरी टर्शरी एंड आई थिंक सेकेंडरी. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, तीन सेक्टर में डिवाइड कर रखा है ना, तो वो तीनों का देखो दे रखा है तुमको. वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर दे रखा है, उसका इंटरमीडिएट यानी GVA एट मार्केट प्राइस ऑफ द प्राइमरी, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द एट मार्केट प्राइस ऑफ द सेकेंडरी, एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट ऑफ मार्केट प्राइस एट ऑफ द टर्शरी. तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी आ जाएगा, करेक्ट ना? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद उसमें से वी विल रिमूव दिस टू आइटम्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन. आई हैव नॉट लाइक नेशनल इनकम ही निकालना अल्टीमेटली. तो फिर देन वी रिड्यूस नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, तो हमें मिल जाएगा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट और NDP एट फैक्टर कॉस्ट. उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेशनल इनकम. डू यू थिंक इट इज़ डिफिकल्ट? बट आई रियली वॉन्टेड यू टू बी लाइक, तुमने देखा सम्स कितने ईजी हैं, वो उधर 2, 3, 4 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सम्स, तो तुम्हें थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लगेगी. बट आई वॉन्टेड यू टू लाइक बी इन स्मूथ इन द ग्रूव एक्चुअली. चलो शुरू करते हैं. ओके, सो ग्रॉस वैल्यू, डू आई नीड टू राइट द होल थिंग? नो. सो GVA एट मार्केट प्राइस फॉर प्राइमरी सेक्टर, आई थिंक आई विल अवॉइड सो मच ऑफ राइटिंग, नॉट रिक्वायर्ड, विल बी, डू यू वॉन्ट मी टू राइट सो मच? एक लिख देती हूँ, बाकी सब फटाफट करेंगे. वैल्यू ऑफ आउटपुट, एग्जाम में पूरा लिखना, आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर. ओके, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन प्राइमरी सेक्टर, करेक्ट ना? सो दिस विल बी 2000 माइनस 200 विल गिव यू रुपीज 1800 करोर्स. सो द वे वी डिड फॉर प्राइमरी सेक्टर,
सेम वी विल डू फॉर द अदर सेक्टर्स ऑल्सो. ओके नाउ जी वी ए एट मार्केट प्राइस फॉर सेकेंडरी सेक्टर. सो द मोमेंट आई गेट सम अपॉर्चुनिटी टू मेक यू लर्न समथिंग आई विल डू इट. 2800 दिया हुआ है एंड माइनस 800 सो आई विल नेचुरली गेट 2000. इसको अच्छे से लिखते हैं. रुपीस 2000 सी आर राइट. ओके हो गया ये. सिमिलरली जी वी ए ऑफ एट मार्केट प्राइसेस फॉर टर्शरी सेक्टर. सो दिस विल बी अगेन 1600 माइनस 600 विल गिव मी रुपीस 1000 सी आर. सो व्हाट आई कैन डू, टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस विल बी रुपीस 1800 करोर प्लस रुपीस 2000 करोर एंड प्लस रुपीस 1000 करोर. सो 1800 प्लस 2000 प्लस 1000 सो रुपीज़ 4800 करोर सॉरी. ओके सो नाउ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट सीधा करते हैं. सो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ कैपिटल वॉट एवर माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो दिस विल बी इक्वल टू रुपीस 4800 करोर देन माइनस रुपीस 470 करोर एंड माइनस रुपीस 300 करोर करेक्ट. सो 4800 माइनस 470 एंड माइनस 300 करोर विल गिव यू रुपीस 4030 करोर. ओके सो नेशनल इनकम और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट विल बी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. चाहो तो यहाँ पे लिख लो, अगर तुमको लगता है कि मिस हो जाएगा सामने वाले को नहीं समझेगा तो यहाँ लिख दो ना कि भाई इसका मतलब ये भी होता है. ओके प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और तो कुछ है नहीं. सो गाइस अगर गलती हुई होगी तो सिर्फ सिली मिस्टेक हो सकता है, कॉन्सेप्ट के मिस्टेक्स नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है. सो रुपीस 4030 करोर माइनस है वो रुपीस 30 करोर. सो आवर आंसर विल बी रुपीस 4000 करोर. चेक करो आंसर बराबर है क्या, बराबर ही होगा, तो बहुत इजी सम था. सो ये देखो पूरा, ये तुम खुद से भी कर सकते थे, ये बहुत ही इजी सम था, इससे ज़्यादा आसान सम तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लाइफ के अंदर में. क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बैक टू बैक करेंगे. सो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8. कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड बाय फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. ओके चलेगा. नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट अभी किया हम लोगों ने, यू कैन ट्राई ऑन योर ओन ऑल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. सेल्स दिया हुआ है गाइस, सेल्स दिया हुआ है और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है राइट है. तो तुमको चलो स्टार्ट करती हूँ मैं. वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक का बाय डिफॉल्ट मतलब होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, नथिंग एल्स. यू विल नॉट डेविएट फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्न. सो रुपीज 450 करोर ओके प्लस 30 माइनस 40 डजंट मैटर. सो 450 प्लस 30 माइनस 40 विल गिव यू रुपीज 440 करोर. ओके देन ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस विल बी
गैस अब मैं फॉर्मूला थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, फटाफट होगा। 440 करोड़ माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन रुपीज़ 200 करोड़, आई होप यू अग्री ऑन दैट, दैट इज़ रुपीज़ 240 करोड़ निकालना क्या है। ओके, सो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट विल बी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन लैंग्वेज, आई वाज जस्ट लुकिंग एट द लैंग्वेज एक्चुअली, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ओके, सो दिस विल बी 240 करोड़, ओके, डिप्रिसिएशन इज माइनस 30 करोड़, ओके, एंड देखो एक्साइज टैक्स और वो सब्सिडी अलग अलग दे रखा है, तो तुम क्या करोगे, माइनस 45 कर दो, ओके, या तो तुम नेट निकालो और फिर डायरेक्टली डालो, या फिर तुम जैसे दिया हुआ वैसे भी ले सकते हो ना, एंड प्लस 15 करोड़, दिस इज वॉट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नो दिस इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ओके, सो 240 माइनस 30, ओके, माइनस 45 एंड प्लस 15 इज 180 करोड़ रुपीज, आई एम श्योर इट इज़ करेक्ट, इट कैन नॉट बी रॉन्ग ना, इतनी सिंपल चीज़ें गलत होंगी तो फिर कैसे काम चलेगा। हुआ ख़त्म क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा, कोई बात नहीं, सो इनकम मेथड से पहले कर लें क्या, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पहले आ गया, ओके स्टार्ट देन, इनकम मेथड, सो एज पर इनकम मेथड नेशनल इनकम निकालना है ना हमें, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, इफ दे हैव गिवन यू डायरेक्टली तो डायरेक्टली, ब्रेकअप दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरप्लस देन प्लस मिक्स्ड इनकम, इतना ही आएगा इसके अंदर में आइडियली, और कुछ आइटम उन्होंने कुछ ऐसा दिया होगा तो मैं नहीं कह सकती, देखते हैं क्या क्या दिया आइटम, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज 1200, दैट्स व्हाट आई कैन सी, देन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज गिवन, प्रॉफिट इज गिवन, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनकम मेथड, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये भी नहीं दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ये भी हमें यहाँ तो नहीं चाहिए, देखा जाएगा बाद में, रेंट इंटरेस्ट दे रखा है, ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस देखो अलग से भी दे रखा है उन्होंने, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखा है, फॉर मी आई वुड वॉन्ट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, आई वुड वॉन्ट ऑपरेटिंग सरप्लस, आई वुड वॉन्ट मिक्स्ड इनकम, दैट विल गिव मी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तुमने नोटिस किया एक चीज़ कि क्योंकि नेट कॉम्पनसेशन लिखा हुआ है ना, कॉम्पनसेशन टू ऑफ एम्प्लॉयज 1200, तो ये जो लिखा हुआ है ना एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ये इसके अंदर में नहीं आएगा, ये ध्यान देना, ये नहीं आएगा, और तुम देखना कोई सम तुमको दिखेगा जहाँ पे वो लेंगे वो वाली चीज़, आई मीन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम वो लेंगे, तो तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि एक जगह पे लिया एक जगह पे नहीं लिया, तो मेरी बात का ध्यान रखना, अगर वेजेस एंड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की जगह पे अगर वेजेस एंड सैलरीज होता ना, तो हम वेजेस एंड सैलरीज और सोशल सिक्योरिटी क्या है वो कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी वो हम दोनों लेते थे, दोनों मिला के कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है, आई होप यू गेट द पॉइंट एग्जैक्टली, कन्फ्यूज़ नहीं होना थोड़ा सा भी, ओके, एंड इसमें जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा तुम्हारा वडे से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम, शुरू करूँ, ओके, सो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट विल बी, आई थिंक इट वॉज 1200,
1200 प्लस 1820 ओके एंड प्लस प्लस 70 आई थिंक सो वेयर इज दैट मिक्स्ड इनकम कहाँ पे 700 है सॉरी सो 1200 प्लस 1820 एंड प्लस 700 विल गिव मी 3720 ओके एंड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट विल बी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यही तो होता है सो दिस शुड बी 3720 प्लस क्या था वो 20 सो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए रुपीज 3740 आई डोंट नो हाउ थिंग्स आर गेटिंग हाउ डू थिंग्स कॉम्प्लिकेट आई डोंट नो दैट इज व्हाट आई दिस कंप्लीटली सिंपल गाइस इनकम तुम अल्टीमेटली जो नेशनल इनकम का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हम निकाल क्या रहे हैं टोटल फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री अगर सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी का लोगे ओके तो वो उसमें जीडीपी बोलो जीएनपी बोलो जीडीपी बोलो एनडीपी बोलो ओके अगर तुम बाहर का भी जो तुम्हारे इंडियंस जो बाहर कंपनीज हैं चाहे एम्प्लॉयज़ है जो बाहर जॉब करती हैं उन सब का कंसिडर करोगे तो जीएनपी हो जाएगा तो जब मैं फैक्टर इनकम्स को ही ऐड कर रही हूँ तो ऑब्वियसली ये नेट ही है ना ये नेट ही तो है अगर सेल्स वगैरह की वैल्यू होती उसमें से वो माइनस करती तो बात अलग हो जाती अब अपन करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड तो एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होगा पता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स करेक्ट इसमें सब है इसमें मार्केट प्राइस पे ही ऑब्वियसली जो तुमने खरीदा माल जो कंज्यूमर ने जो खरीद के खर्चा किया तो सेल्स वैल्यू पे चल रहा है ना तो सारे ग्रॉस हैं और सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ में हैं तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्होंने कहीं पे दिया था ना प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखो 2000 देन प्लस नेट कैसे एक बात का और ध्यान देना देखो मेरे को बात नोट्स लिखो चलो मेगा नोट समवेयर अगर इन्होंने ग्रॉस आई थिंक आई शुड मेक यू राइट दैट नोट ये सम खत्म होने के बाद मुझे याद दिलाओ मैं सम नोट लिखाती हूँ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये क्या होता है तुम्हारे बुक के अंदर में ना मॉड्यूल में एक अलग से नोट बनाया हुआ है ध्यान देना जाके तुमको क्या चाहिए पता है क्या तुमको चाहिए मतलब अगर मैंने जीडीपी एट मार्केट प्राइस लिखा है सुनना ध्यान से अगर मैंने जीडीपी एट मार्केट प्राइस लिखा है तो जी है ना जी मतलब ग्रॉस जी मीन्स ग्रॉस दैट मीन्स विथ डेप्रिसिएशन एलिमेंट राइट सो इफ आई एड नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज 770 आई विल नॉट गेट जी डी पी एट मार्केट प्राइस आई विल गेट एन डी पी एट मार्केट प्राइस तो तुम सोच रहे हो कि मैम क्या होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अब इफ इट इज नेट डोमेस्टिक कैपिटल ओके लेट्स कम हियर मे बी इट्स बेटर सो वट इज आई आई स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड दिस दिस इज द विच रिप्रेजेंट्स आवर आई जो हमें लेना था इक्वेशन के अंदर में अब ओके अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर में भी दो चीज़ें आती है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन इन्वेंट्री समझ में आई बात ये पूरा का पूरा जो गेम है ना ये इस वर्ड से बदल गया देखो ध्यान देना सम्स करते समय अगर ये दिया है तो इसका मतलब
तुम्हारा दिमाग क्या होगा, इग्नोर कर जाएगा फिक्स्ड वर्ड को, दिमाग नहीं जाएगा. तुम जैसे डोमेस्टिक क्रॉस डोमेस्टिक वर्ड देखोगे, अच्छा तुम ओके दिस इज आई एंड यू सब्स्टिट्यूट एंड देन यू डोंट टेक चेंज इन इन्वेंट्री. ऑलवेज रिमेंबर इफ दे हैव गिवन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दैट मीन्स दोनों आ गई चीज़ें, ये भी आ गया, तो दिस इज़ वॉट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या है. जैसे तुमने मशीनरी बाय किया, तुमने टूल्स बाय किया, इक्विपमेंट्स बाय किया, ये सारी चीज़ें जो नई न्यू ओके वो दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मशीनरी एंड ऑल एवरीथिंग. और चेंज इन इन्वेंट्री तुमको पता है बेसिकली वो वाला माल जो ना तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए गया और ना ही रीसेल हुआ, ईयर एंड में वो रह गया बिना बिका हुआ, तो उसकी जो वैल्यू है वो तुम नेशनल इनकम में ऐड होनी चाहिए. तो ये वो हो गया. ओके नाउ इफ दे हैव गिवन फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देन यू विल डेफिनेटली नीड टू ऐड चेंज इन इन्वेंट्री टू मेक इट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन विच इज़ अ रिक्वायरमेंट इन आवर इक्वेशन. ओके ये तो एक बात हो गई, ये एक बात हो गई. दूसरी बात ये हो गई कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिया है तो इसका मतलब आंसर जो निकलेगा ना तुम्हारे इक्वेशन में, दी हियर दिस वन ओके दिस विल बी जीडीपी ग्रॉस, दैट मीन्स अभी डेप्रिसिएशन माइनस करना बाकी है. बट इफ़ यू ऐड नेट डोमेस्टिक, दैट मीन्स द गिवन डेटा इज वॉट नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 770, दैट मीन्स दिस आई इज नेट, दैट मीन्स ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करके तुमको दिया हुआ है एंड अगर तुमने वो ऐड किया तो तुमको जीडीपी एट मार्केट प्राइस नहीं मिलेगा, तुमको मिलेगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस. आई होप यू गेट द पॉइंट. गॉड ऑल्सो इफ लिख लो इट इज मैंशनड नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इट मीन्स डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी डिडक्टेड एंड what we would get is NDP at market price and not GDP. I hope guys, ये इतना मुझे बताना था एक्चुअली. तो दो चीज़ें मैंने तुमको दो नोट आज के लेक्चर में बताया. नंबर वन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया है तो बाकी सब आ गया उसके अंदर. अगर वेजेस एंड सैलरीज दिया है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का अलग अलग दिया है तो दोनों को ऐड करोगे तो जाके कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ बनेगा. ये लिख लो, फट से लिखो, पॉज करके लिखो एंड देन मैं आगे बढ़ रही हूँ. तो यहाँ पे अगर मैंने जीडीपी एट मार्केट प्राइस लिख दिया है तो, और ये जो आई है 770 मैं लेती हूँ, तो ये गलत हो जाता है. तो हमको निकालना क्या, नेशनल इनकम निकालना है ना अपने को. तो मैं काम कर सकती हूँ इसको अपनी बात को सही करने के लिए मैं काम कर सकती हूँ कि इसके अंदर में प्लस डेप्रिसिएशन ऐड कर सकती हूँ, तब तो सही हो गया ना. तो लेकिन डेप्रिसिएशन दिया होगा तो ना, दिया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, चलो ठीक है. तो दिस इज अगेन 770 ओके देन प्लस 1100 एंड नेट एक्सपोर्ट इज 30. दिस इज़ बेसिकली एन डी पी एट मार्केट प्राइस एंड प्लस तुम डेप्रिसिएशन को एड बैक कर दोगे ना, कहाँ गया वो यार, 130. सो 2000 प्लस 770 प्लस 1100 प्लस 30 एंड प्लस 130 इफ यू डू यू विल गेट 4030 ओके. और जी एन पी एट मार्केट प्राइस अगर निकालना है तो एक काम करो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ब्रॉड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. मैं पता है क्या देख रही हूँ, कोई कोई सम में मैंने तुम्हारे पोर्शन में तो नहीं देखा मैंने इतना कॉम्प्लिकेशन जो हायर लेवल सम्स है. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20 दिखा तुमको, तो तुमने ऐड कर दिया. यानी ज़्यादा पैसे हमें, हमने दिया और उन्होंने दिया, तो उन्होंने ज़्यादा दिया तो हमें, हमारे पास में ज़्यादा पैसे आए. अब नेट फैक्टर इनकम इनकम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर ये माइनस 20 होता तो तुम माइनस कर देते कि भाई हमने ज़्यादा दिया. अब स्मार्टनेस क्या होती है कि वो लिखते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो क्या होता फिर चक्कर आने लग जाएगा. तो वो मैं थोड़ा सा अटक गई वहाँ पे, कह रहे ऐसा.
but they will not give you such heavy questions, right? And that's what I think. So 4030 plus 20, it is 4050, right? Now NNP at factor cost is what is our answer should be. So 40, अब मैं नहीं बता रही तुमको, 4050 माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 130 बिकॉज हमने ऐड किया था, ओके, एंड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वेयर इज दैट, 120. So 4050 minus 130, okay, and minus 120 gives me 3800 crore. So if you see, both of them are not matching. This was 37. मुझे लगा मेरा ही गलत आया, उनका भी वही आया है. I mean, हम बिल्कुल ही सही जा रहे हैं, right? कहीं भी हमने हमारा फॉल, मतलब बेसिकली हमें कहीं भी ये नहीं हुआ है, हम मतलब वी आर नॉट लाइक फॉलिंग ऑन द कॉन्सेप्ट्स, वी आर नॉट, वी आर लाइक गोइंग करेक्ट. सो देर वुड बी स्लाइट डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स. सो इफ देयर सोल्यूशन इज ऑल्सो हैविंग दैट, अगर हमारा सिर्फ होता तो आई वुड हैव बीन अ बिट कंसर्न कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए आंसर, अगर उनका मैच कर रहा है तो हमारा क्यों नहीं मैच कर रहा है, बट अभी तो डॉट टू डॉट मैच कर रहा है. और वो दोनों नोट लिख के तुम जरूर से रख लेना, वो तुम्हारे काम आएगा. So it doesn't matter what format you are following, it is important that you have all your concepts in control. अगर तुम बोलो कि हाँ मैम हम लोग रेडी हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 करा दूँ तुमको, सब इजी इजी वाले ही हैं सारे, 17 नंबर तक ही तो बहुत इजी है, मैनेजेबल है. वो तीन सम लास्ट में करवाऊँगी और थोड़ा पेशेंस लेके, क्योंकि अगर शुरू में ही मैं 2, 3, 4 कराती ना, तो पॉसिबली यूड हैव गॉटन वेरी वर्कड अप, क्यों यार ऐसे सम्स हैं क्या, ये तो मुझे कैसे आएगा, बिकॉज थोड़ा सब्जेक्टिविटी भी है उसके अंदर में, दैट इज़ वाई ये रूल से जा रहा है, पूरा रूल से जा रहा है, उनका भी और हमारा भी. चलो शुरू करती हूँ आगे. क्वेश्चन नंबर 10, ओके. सो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. सिंपल है. सो दे हैव गिवन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि इस सम के अंदर में डेटा में कुछ गूफ अप है. मैं तुमको बताती हूँ क्यों, मुझे पढ़ने दो पूरा. इट इज 61,500, ओके. देन नेट एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है माइनस 50, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है 3,000, रेंट दिया हुआ है, ओके, देन इंटरेस्ट इज गिवन, देन प्रॉफिट इज गिवन. So that means if I add compensation of employees, rent, interest and profit, okay, I can though, you know, kind of. Then net indirect taxes are given to us, net domestic capital formation is given, gross domestic capital formation is given. So basically they have not given depreciation in the sum, be alert, okay. So gross domestic capital formation may say if I reduce net domestic capital formation, I will get depreciation. I hope you are fine with that now. And factor income to abroad. लैंग्वेज क्या आती है हर जगह पे, देखो जा करके लैंग्वेज क्या रहती है. नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आता है, यानी इनकम आ रही है. ये क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी हमें देना है 80, राइट. तो मैं क्या सोच रही थी पता है, मैं एक अपनी बात बता रही हूँ कि मैं क्या सोची कि GNP एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है और हमको GDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, करेक्ट ना. तो अगर मैं GNP एट फैक्टर कॉस्ट में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो भी है वो एडजस्ट कर दूं, तो मुझे GDP एट फैक्टर कॉस्ट आना चाहिए ना, आइडियली आना चाहिए ना. लेकिन इन्होंने जो सोल्यूशन किया है गाइस, तुम भी देख सकते हो जाके मॉड्यूल खोल करके, इन्होंने मेथड अलग यूज किया है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. उन्होंने क्या किया है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को, रेंट को, इंटरेस्ट को, प्रॉफिट को ऐड कर दिया है और उसको बोला NDP एट फैक्टर कॉस्ट, विच इज करेक्ट. मिक्सड इनकम नहीं दिया हुआ है तो इट इज ओके, ओके. NDP एट फैक्टर कॉस्ट है, ओके. उसमें मैं अगर डेप्रिसिएशन को ऐड करूँगी, कितना होगा डेप्रिसिएशन, ग्रॉस माइनस नेट 100, वो ऐड करूँगी तो क्या हो जाएगा, GDP एट फैक्टर कॉस्ट. और उसमें अगर अपन ऐड कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, अगर अपन ऐड कर देते हैं तो वो हो जाएगा GDP एट मार्केट प्राइसेस. मांगा है कि नहीं मांगा है, मांगा है, वो भी मांगा है. तो अपने GDP एट फैक्टर कॉस्ट एंड GDP एट मार्केट प्राइस नॉर्मल निकल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल सम है.
लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन क्यों डेवलप हुई, क्योंकि अगर मैं उस मेथड से निकालूं या ये इस मेथड से निकालूं, तुमको समझ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? आई मीन टू से मैंने इनकम मेथड से निकाला ना सारा, तो जो मुझे आंसर आ रहा है, तुम कैसे चलाओ खुद का, तुमको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। 3000 प्लस 800 ओके प्लस 900 प्लस 1300 जो भी आएगा तुमको लगता है, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का डेटा देखो, तुमको लगता है ये सारे डेटा मिला के 61500 के कहीं आसपास भी आ पा रहा है? इट इज़ लाइक 6000 समथिंग के अराउंड में घूम रहा है ये डेटा, तुम जो भी मैंने बोला, और वो इज 61500। इट इज़ अ लॉट ऑफ गैप, दैट मीन्स डेटा में कोई इशू है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं टाइपिंग एरर हुई है कुछ ना कुछ। सो जस्ट फॉरगेट अबाउट, बिकॉज सबसे पहली चीज़ ही वही मेरे को नज़र में आएगी कि मैं सारे कैलकुलेशंस क्यों करूँ, सामने GNP एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के एडजस्टमेंट करते हैं, एंड वी हैव अराइव्ड एट द आंसर, दैट्स इट, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर दैट मैटर। मैं बाकी डेटा की हमें ज़रूरत ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। GNP एट फैक्टर कॉस्ट में नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड एडजस्ट करूँगी तो मुझे मतलब हटाना पड़ेगा तुमको उसमें से जो भी है, प्लस माइनस जो भी करना पड़ेगा, तो डिपेंड करता है कि तुमको तुमने नेट दिया है कि तुमने नेट लिया है, उस पर डिस्कशन नहीं हो रही है। तो तुमको GDP आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट पे, और उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर मैं ऐड कर दूंगी तो मुझे एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। इतना सा, यानी 2-3 डेटा ही हमें चाहिए था, सारा नहीं चाहिए था, बट सो मच ऑफ डेटा इज गिवन। आई थिंक देर इज सम टाइपिंग एरर, इन द सेंस दैट ये इस क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है। 61500 इज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ दिस सम। फिर पता नहीं नेट एक्सपोर्ट्स भी क्यों दिया है, मे बी आई डोंट नो, तो विल हैव टू गो द वे दे हैव गॉन, अदरवाइज मतलब ये डेटा में कंसिस्टेंसी नहीं है। तुमको भी समझ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। चलो शुरू करते हैं। सो बेसिकली वी कैन डू NDP एट फैक्टर कॉस्ट विल बी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बच्चों को बेचारों को, प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट, राइट, ये फैक्टर इनकम्स को तुमने ऐड कर दिया, प्लस प्रॉफिट। बेसिकली इन तीनों को हम ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम होता तो और भी अच्छा हो जाता। सो बट इट्स नॉट गिवन, सो इट्स ओके। 3000 प्लस 800 प्लस 900 एंड प्लस 1300, लेट अस सी व्हाट वी गेट। सो 3000 प्लस 800 प्लस 900 एंड प्लस 1300, इफ यू गेट रुपीज 6000 करोड़ आया मेरे को। बस एक कुछ GDP एट फैक्टर कॉस्ट पे मांगा है ना, तो वो निकाल देते हैं यहाँ पे। सो GDP एट फैक्टर कॉस्ट के लिए क्या चाहिएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। सो कैन आई राइट हियर लाइक दिस, डेप्रिसिएशन विल बी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक। अदरवाइज द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बट देन मेंशन ऑफ दैट डेटा विल कंफ्यूज यू डेफिनेटली, एंड ऑल द मोर इट्स इफ इट वॉज लाइक स्लाइटली थोड़ा बहुत हेर यू नो काइंड ऑफ गैप होता कैलकुलेशन में कि भाई टोटल मैच नहीं कर रहा, जैसे लास्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा था तो ठीक था, बट बहुत मेजर लेवल का डिफरेंस आ रहा है। सो वो दिया है 900 माइनस 800 एंड दिस विल बी इक्वल टू रुपीज 100 करोड़। सो देयरफॉर GDP, दिस इज वन आंसर टू योर क्वेश्चन, ये मांगा है ना उन्होंने। सो GDP एट फैक्टर कॉस्ट विल बी, NDP एट फैक्टर कॉस्ट कितना था? 6000 करोड़, ओके। सो रुपीज 6000 करोड़ प्लस रुपीज 100 करोड़, फिर तो गलत है ही नहीं ना। एंड वैसे भी तुम ये सोच के देखो कि अगर GDP तुम्हारा 6100 है, अगर GDP तुम्हारा 6100 है तो GNP 61500 नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। ओके, देन द अनदर कैलकुलेशन दैट दे आर आस्किंग फॉर इज GDP एट मार्केट प्राइस। सो दैट विल बी GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट। सो वी डोंट वॉन्ट टू, अगर सॉल्व करना चाहूँगे तो तुरंत ठीक कर दूंगी डेटा को, उसमें कोई
प्रॉब्लम नहीं है, बट देन वाई शुड वी गेट इन टू दैट अननेसेसरी, नो पॉइंट. सो रुपीज 6100 करोड़ एंड प्लस रुपीज 300 करोड़, दैट आई कैन सी राइट, रुपीज 6400 करोड़, ठीक है ना. ये हो गया सम तुम्हारा फिनिश. तो गाइस जो डेटा हमें दिखा, यू नो काइंड ऑफ शुरू में सम के अंदर में जो डेटा हमें दिखा, उस डेटा को देख करके ओबियस सी बात है कि मैं जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से यू नो काइंड ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एडजस्टमेंट करूँगी सो दैट कि मुझे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाए, करेक्ट है. और उसमें ही मैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करूँगी तो आई गेट माई आंसर एंड आई एम सॉर्टेड. मुझे मैं बाकी डेटा देखने को ही क्यों जाऊँगी, आई वुड नॉट इवन गो देयर. वो तो जब हम करने के बाद इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन वगैरह चेक करते तो पता चलता अरे यार ये तो कहीं भी मैच नहीं कर रहा है. तो मैच क्यों नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कि अपन नहीं कर पा रहे, इसलिए कि डेटा में गड़बड़ है, कुछ कर नहीं सकते. ऑफकोर्स उसके बारे में वी कांट डू मच अबाउट इट, बट देन तुमको पता चल जाएगा देख करके कि डेटा में तुम देखो ना क्या आया, 6400 आया है, 6100 आया है, वहाँ पे जीएनपी 61,000 समथिंग दिया हुआ है तुमको और नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड का एलिमेंट भी इतना छोटा है. ओके सो इट इज़ नॉट लाइक वर्किंग फॉर अस बेसिकली, कांट हेल्प टू मच. बट अगर वो डेटा नहीं होता तो ऑफकोर्स हम इसी तरीके से जाते हैं. तो डोंट हैव टू वरी एट ऑल. ओके एंड वी शुड क्विकली मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. मैं एक बात और बोल रही थी कि अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम खुद से ट्राई कर सकते हो 11 to 17 नंबर सम, बिकॉज आई थिंक इट इज़ क्वाइट मैनेजेबल. ये मैनेजेबल है सम बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 11. कैलकुलेट एनएनपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है नेशनल इनकम. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 10 दिया हुआ है, नेट इंपोर्ट दिया हुआ है सी है, मतलब वो नेट इंपोर्ट 20 का मतलब हुआ नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू -20, करेक्ट ना. पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है जी, पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट बेसिकली. सो काइंड ऑफ पब्लिक डेट, मतलब सरकार ने हमसे जो पैसे लिए होते हैं, सरकार जो पैसे बोरो करती है उसको पब्लिक डेट बोलते हैं. उसी तरह से पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सरकार ने जो डेट लिया हुआ है. ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, देखो वर्ड आ गया यहाँ पे, इसका ये मतलब होता है कि चेंज इन स्टॉक कहीं ना कहीं सब में जरूर दिया होगा, जाके चेक करते हैं. डेप्रिसिएशन 30 दिया हुआ है, सब्सिडी 100 है, इनकम पेड टू अब्रॉड दिया हुआ है. इनकम पेड टू अब्रॉड का मतलब क्या हुआ, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम जो हम पे करते हैं, नेट जब निकालते हैं तो उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इसमें फ्रॉम अब्रॉड तो कुछ दिया नहीं है तो वो जीरो अज्यूम करेंगे हम, तो जीरो माइनस 20 विल बिकम -20. चेंज इन स्टॉक इज गिवन ऑफ कोर्स. एक डेटा जो दिया हुआ है नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स, इसके बारे में हमने बात नहीं करी है. तो इसके बारे में अगर अपन बात करें तो क्या क्या मीनिंग है इसका. तो जो तुमने थोड़ी देर पहले सीखा ना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड नहीं कैपिटल फॉर्मेशन, उसके एक्चुअली दो नहीं, मैंने दो बताया ना तुमको, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक, दो बताया मैंने तुमको. एक्चुअली इसके अंदर में तीन होते हैं. नंबर वन ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आएगा, मतलब यू नो काइंड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू मशीनरीज, बिल्डिंग अप न्यू मशीन्स, देन न्यू टेक्निक्स, न्यू टूल्स, टेक्निक्स, एवरीथिंग, वो सारे इसके अंदर में आएगा. कोई नया कंस्ट्रक्शन सब आएगा इसके अंदर में. ओके एंड चेंज इन स्टॉक, ऑफकोर्स तुमको पता है वो चीज़ राइट. एक चीज़ और इसके अंदर में ऐड होती है कि अगर कोई तुम कोई एक्सपेंसिव पीस ऑफ आर्ट, वैल्यूबल पीस ऑफ आर्ट, परचेज ऑफ ज्वेलरी, ऐसी कोई चीज़ आएगी वो भी आई के अंदर आएगा. ये तीन चीज़ें आई का पार्ट होगा. दैट मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर में यू विल टेक 10, 30 and 1 more विच इज़ गिवन इज 350. आई होप यू आर फाइन. आगे बढ़ते हूँ. सो बाई एक्सपेंडिचर मेथड, गाइस अगर लेक्चर ज़्यादा लंबा होगा ना तो विल जस्ट स्टॉप इट समवेयर एंड देन एक लेक्चर और बना दूंगी, बिकॉज अदरवाइज इट बी टू लेंदी फॉर यू टू कंट्रोल. ओके सो अगर एक्सपेंडिचर मेथड से करते हो तो हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट वी हैव टू कैलकुलेट. सो कैन वी ईदर वी शुड कैलकुलेट जीएनपी निकाल सकते हैं, जीडीपी निकाल सकते हैं, क्या निकालना है बोलो, क्या निकालने का मन है. जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं ना हम,
जीडीपी एट मार्केट प्राइस या जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकाल देते हैं। इसमें क्या है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस अगर निकालते हो तो ये हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई होप यू आर ग्रेट। सो आई थिंक वी शुड टेक द ब्रेकअप्स, तब तो मैं रिवाइज करने में अच्छा रहेगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, आई कुड हैव अवॉइडेड दिस एक्चुअली बट इट्स ओके। I think then I will open a bracket actually. Later on I can put into things into bracket. Three things will come. Okay, this will be gross domestic fixed capital formation plus change in stock plus purchase of valuables, all three together are I. बोलोगे तो यहाँ पे एक प्लस डाल दूंगी, और क्या कर सकते हैं, प्लस पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीबी हो गया, प्लस एक्चुअली ना मुझे लिखना चाहिए माइनस इंपोर्ट, जब लिख रही हूँ तो प्रॉपरली लिखते हैं, माइनस नेट इंपोर्ट्स ओके एंड प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो कैन आई राइट नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दिस विल बी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। गॉड इट्स टू लेंथी, सम में दो मिनट लगने वाला है तुम्हारे, पता है तुमको। ओके स्टार्ट देन। जीएनपी सो जीएनपी एट मार्केट प्राइस विल बी 10। अब मैं रुपीज़ और करोड़ इग्नोर कर रही हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा उतना। प्लस 350 प्लस 10, ये तुम्हारा आय हो गया। फिर क्या है जी, सो प्लस 5 माइनस 20। तुमको पता है ये इतना क्या हुआ, यू नो व्हाट इज दिस टिल हियर, टिल हियर इट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस ओके, देन यू हैव प्लस 0 माइनस 20 करेक्ट नो वॉट एवर। सो बेसिकली वॉट आई एम गेटिंग हियर इज 10 प्लस 350 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 5 माइनस 20 एंड अगेन माइनस 20, आई गेट रुपीज 365 करोड़ ओके। नाउ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट विल बी जीएनपी एमपी माइनस
डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स है क्या प्राइवेट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी सो 365 माइनस 30 इनडायरेक्ट टैक्स सम में नहीं दिया हुआ है इट इज़ नॉट गिवन इन द सम सो ऑब्वियसली इट विल बी 100 ओनली 365 प्लस 100 एंड माइनस 30 विल गिव मी रुपीज़ 435 आई थिंक इट इज़ मैचिंग विद द इंस्टीट्यूट सोल्यूशन कम्प्लीटली सो यू कैन गो एंड टेक योर ओन लाइक पाथ बार बार हर समय बोल रही हूँ इतना तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि उनके हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ऐसा करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है क्यों करेंगे अपने हिसाब से अपने अपने फ्लो से चलो बिल्कुल सो गाइज अभी क्वेश्चन नंबर 12 ले रही हूँ मैं वो तो बहुत ज़्यादा ही आई थिंक इट्स टुवर्ड्स द बैक यू शुड नो व्हाट इज़ द क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट चलो वो ये सम तो खुद से कर लो तुम थोड़ा बहुत ही आसान है वो सम तो जस्ट नथिंग इन द सम सो क्वेश्चन नंबर 12 इट सेज कंप्यूट नेशनल इनकम कंजम्पशन 750 इन्वेस्टमेंट 250 गवर्नमेंट परचेज 100 तुमको लगता है इसलिए मैंने तुमको बोला कि ये तो सब खुद से कर लो तुम इससे ज़्यादा तुमको और क्या मिलेगा बोलो कौन सा मेथड है ये तो बोलो एक्सपेंडिचर मेथड सो बाय एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम निकालना है ना तुमको ओके सो गाइस जो हमें मिलेगा लेकिन ना वो मिलेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलेगा करेक्ट है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स जो तुम्हें मिलेगा वो मिलेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस बट जब कुछ और डेटा दिया ही नहीं तो वही नेशनल इनकम हो गया सो नेशनल इनकम और मैं भी जो लिखते हैं वही लिखती हूँ वरना तुम बोलोगे मैम ने चेंज कर दिया और मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस सी प्लस जी प्लस आई नो द ऑर्डर इज़ नॉट सेम बट इट्स ओके सो इट इज़ 750 प्लस 250 प्लस 100 प्लस 100 माइनस 200 कितना आता है चेक तो करो इट्स 750 प्लस 250 प्लस 100 प्लस 100 माइनस 200 विल गिव मी 1000 सो 1000 सो इफ यू वांट आई कैन राइट अ नोट सिंस नो अदर डेटा इज प्रोवाइडेड नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस आई थिंक दिस इज अ वे और तुम अपने ब्रेन को ना मैं गलत मैसेजेस नहीं देना चाहती ये नेशनल इनकम नहीं है बट क्योंकि और डेटा ही नहीं तो हम क्या करें क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है क्वेश्चन में कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ओके एंड डिराइव नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ओके कैलकुलेट क्या क्या निकालना है जीडीपी एट जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है एंड एनएनपी
एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, करेक्ट ना? ये क्वेश्चन है ना तुम्हारा। अब सब में क्या लिखा हुआ है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 100 करोड़, एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, NFIA सीधा, एंड दैट इट्स नेगेटिव। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी दिया हुआ है। देखो ध्यान दो, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा डेटा है गाइस, ध्यान देना, इससे बहुत कुछ तुमको पता चलेगा कि आय के अंदर क्या क्या आता है। देखो क्या लिखा, ये तो सी हो गया, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज सी, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट 300, डेप्रिसिएशन इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स विल बी योर लाइक नेट एक्सपोर्ट्स, राइट? तो यू सी अपने को डायरेक्टली मिल गया, ओके। देन उसके बाद अपने लोगों को एनएक्स मिल गया, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स मिल गया। फिर गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज जी, आई के लिए कितनी सारी चीज़ें दे रखी, देखो, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ओके, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री, ये चारों तुम्हारे आय के अंदर में आएगा। मैं तुमको पिछले समय बोल रही थी ना कि काफ़ी सारा डेटा मिलेगा तुमको एक समय, यानी कि जो कोई कंस्ट्रक्शन, कोई परचेज ऑफ मशीनरी, कोई न्यू मशीनरी, कोई टूल, कोई टेक्निक, ऐसी चीज़ें अगर होगी तो आई के अंदर आएगी, चेंज इन इन्वेंट्री आएगा, अवेलेबल्स आएगा, सब आएगा। सो इट आई थिंक दैट्स अ वेरी एग्जॉस्टिव पॉइंट एक्चुअली। तो शुरू करती हूँ, सबसे पहले मैं, पहले अपन GDP एट मार्केट प्राइस निकालें। आई थिंक GDP एट मार्केट प्राइस विल बी सी प्लस, इसको ना थोड़ा सिंपल रखते हैं अपन, एंड प्लस एनएक्स, राइट? तो इजी हो जाएगा अपने लिए, ओके। सो कैन आई डू लाइक दिस, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लिखना तो पड़ेगा ही, उसके बिना काम नहीं चलना है, देन प्लस, कहाँ से शुरू करूँ, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। मैं ना पोर्शन को भगा सकती थी बिल्कुल, ये ना लिखूँ तो हो जाएगा ना 5 मिनट में ख़त्म, काम चलता है क्या? लेकिन देन ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा, एग्जाम में भी तुम्हें लिखना पड़ेगा, वी हैव टू राइट अ लॉट। देन वी हैव ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, टोटल कर लो, एक साथ लिखने वाले हैं अपन। और क्या आएगा, ओके, देन दिस, देयर विल बी गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। आई थिंक वी आर सॉर्टेड हियर, क्विकली लेट्स लाइक सब्स्टिट्यूट द डेटा हियर। सो दिस विल बी 3500, ओके, देन प्लस 300 प्लस 200 देन प्लस 300 एंड प्लस 100, सो दिस इज 900 आई थिंक, राइट? देन प्लस 1000, सो यू शुड नो दैट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट। जो गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं ना, उसका प्रोपोर्शन नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा है, ये पता होना चाहिए तुमको, तुम देख भी सकते हो खुद से। 1000 प्लस 200 माइनस 100, तो आई थिंक थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ।
अब मैं ज़्यादा कुछ बचा नहीं है मेरे लिए, सो इट इज़ 3500 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 200 एंड माइनस 100 विल गिव यू 5500 रुपीज़, 5500 करोड़ तुम्हारा क्या है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके नाउ हमको निकालना क्या है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, राइट। ओके सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। ओके सब्सिडी दिया है क्या सब में, जस्ट बी वेरी केयरफुल वाइज बिकॉज मेरे से मिस बहुत होता था पहले। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सो 5500 ओके माइनस 50, आई कांट सी सब्सिडी सब्सिडी सब्सिडी, नो आई कांट सी सब्सिडी, सो माइनस 100 नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 50 दिया है। सो गाइस 5500 माइनस 50 माइनस 100 एंड माइनस 50 विल गिव यू रुपीस 5300 CR। This is the answer. That's what I think. Check करो, मुझे नहीं पता, बराबर है बिल्कुल, मैंने तो check नहीं किया था, उन्होंने कैसे किया वो भी मुझे नहीं पता, but that's how I think it should be. तो match कर रहा है, देखो ना सारा ये done है properly. I don't think there should be any doubt with respect to this. I think you are going fine and you should quickly move on to question number 14. मैं क्या सोच रही हूँ 14, 15, 16, 17 करके और ये लेक्चर को ब्रेक कर देती हूँ। आई थिंक तुम टायर्ड हो गए बहुत और अगले लेक्चर में करा दो, एक डेढ़ घंटे का और लेक्चर आएगा मुश्किल से, उसमें सारा खत्म कर दूंगी, तीन सम तुम्हारे 2, 3, 4 एंड द रिमेनिंग थियोरी एंड ऑल एवरीथिंग, सो यू शुड बी सॉर्टेड इन विद इन 1.5 आवर। बोलती जा रही हूँ बट कांट हेल्प, ये दो चैप्टर सबसे बड़े हैं तुम्हारे, जो तुम्हारे चैप्टर वन में यूनिट वन यूनिट टू है उससे ही मेजर तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसलिए बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते क्वालिटी के साथ में, कांट हेल्प। फोर्टीन नंबर सम, द क्वेश्चन इज फाइंड जीडीपी, क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ओके दीज टू थिंग्स वी हैव टू कैलकुलेट, राइट, यू नो इवन यू इफ आई सी सामने ना यू फील लाइक ओके आई नो दिस हैज टू बी कैलकुलेटेड and we have to calculate by income method and expenditure method both, that's what I can understand. तो सबसे पहले क्या करें, income method, so you should know guys that in income method usually क्या होता है, गलतियाँ होती है, गलतियाँ क्यों होती है कि जो कैलकुलेशन तुम एक्सपेंडिचर मेथड में और वैल्यू एडेड मेथड में करते हो ना, तो तुम ग्रॉस और मार्केट प्राइस से नीचे उतरते उतरते तुम नेट और फैक्टर कॉस्ट पे आते हो, लेकिन इनकम मेथड में यू आर एट द लास्ट, यू गेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट व्हेन यू ऐड ऑल द फैक्टर इनकम्स, और उसके बाद उसमें नेट डायरेक्ट टैक्स हमको ऐड करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन हम ऐड करना पड़ेगा, तो हम ग्रॉस और मार्केट प्राइस पे रीच करते हैं, तो देर इज़ अ डिफरेंस, दैट इज़ वाई इसमें गलती होने के चांसेस हो जाते हैं बहुत बार। ओके सो फर्स्ट आई विल कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट विल बी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, बट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के लिए तुम्हें दो चीज़ें चाहिए होगी, वेजेस एंड सैलरीज एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। वेजेस तो दिया हुआ है लेकिन वो सोशल सिक्योरिटी वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है, तो कैन आई राइट दैट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज,
सो इट विल हैव टू थिंग्स बेसिकली. कैन आई शुड आई राइट दैट? इज इट रिक्वायर्ड? आई डोंट थिंक सो, राइट? चलो लिख देते हैं, वेजेस एंड सैलरीज प्लस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लाइक पीएफ एंड ऑल, आई होप यू गेट द पॉइंट, राइट? वो सारा प्लस और क्या आएगा पता है? रेंट आएगा, फिर प्रॉफिट आएगा, फिर इंटरेस्ट आएगा. ये तीनों को हम ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं. ओके, देन प्लस मिक्स्ड इनकम आएगी. ओके, सो लेट अस सी व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी डू नॉट हैव. सो कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज के नाम पे आई कैन सी ओनली वेजेस, मैंने शुरू में तुमको जो बोला था. ओके, और कुछ देखो यहाँ पे, कैन यू सी सोशल सिक्योरिटी समथिंग और समथिंग? आई कैंट सी, राइट? सो वेजेस 6508, देन प्लस रेंट इज गिवन टू अस, रेंटल इनकम 34, कॉरपोरेट प्रॉफिट 682, इंटरेस्ट 1060, ओके, एंड मिक्स्ड इनकम 806. सो 6508 प्लस 34 प्लस 682 प्लस 1, और दोनों आंसर सेम आने चाहिए, आई मीन टू से बाय बोथ द मेथड्स, प्लस आई लॉस्ट माय कैलकुलेशन, 6508 प्लस 34 प्लस 682 प्लस 1060 एंड प्लस 806, दिस गिव्स मी 9090. गॉड, नाउ जीडीपी, इट विल टेक टाइम नाउ. जीडीपी एट मार्केट प्राइस विल बी एनडीपी एट मार्केट, नो, इनकम मेथड चल रहा है ना, फैक्टर कॉस्ट निकाला है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस डेप्रिसिएशन. करेक्ट नो गाइस? सो यहाँ पे आएगा 9090 सो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. तो इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्स तो दिया है 1000, बट कैन यू से सी सब्सिडी हियर? आई कांट. सो 1000 एंड डेप्रिसिएशन इज 800. आई गेट 10,890 is the answer for GDP at market price. Now और क्या मांगा? GNP at market price will be GDP at market price प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सो 10,890 इज फॉर नाउ अगेन 40. ओके, सो प्लस 40 विल गिव मी 10,930. ये सही है गाइस, ये सही है ना? अब अपने को यही कैलकुलेशन करके दिखानी है एक्सपेंडिचर मेथड्स. आई होप यू आर कंफर्टेबल. मैंने कुछ भी रूल्स को ब्रेक नहीं किया है, जैसे पढ़ाई हूँ वैसे ही निकालती गई. एंड आई एम नॉट फॉलोइंग देयर सोल्यूशन ऑल्सो, मैं वी आर गोइंग एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इफ आई स्टार्ट लाइक कॉपिंग देन आई कैनॉट कॉपी. वॉट इज, वेयर इज माई ब्रेन देन? सो नाउ बाय एक्सपेंडिचर मेथड ओके, सो
जीडीपी एट मार्केट प्राइस विल बी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम. वो मैं तुमको बोल रही थी कि जब दोनों मेथड में यही फ़र्क होता है कि इसमें तुम करोगे ना तो सीधा ग्रॉस और मार्केट प्राइस पे आता है, और यहाँ पे शुरुआत होती है नेट और फैक्टर कॉस्ट से. तो कई बार ना वी एंड अप लाइक मिस्टेक हो जाती है हमसे, बेसिकली कहने का मतलब है. तो सी इज लाइक 7314 2196 1442 1346 -1408. तो 7314 +2196 +1442 +1346 -1408. आई गेट अगेन 10,000. दैट्स करेक्ट गाइस, ये कम्प्लीटली मैच हो रहा है. एंड इफ दिस इज मैचिंग तो एनी विच वेज दैट विल ऑल्सो मैच. जी एन पी एट मार्केट प्राइस विल बी 10,000. नाउ आई डोंट वांट टू राइट ऑल्सो 40 विल बी 10,930 एंड वी आर सॉर्टेड ऑन दिस क्वेश्चन ऑल्सो. 14 is over. 15, 16, 17, 3 questions back to back and we are done for today's lecture. 15 number sum. So question number 15. Take a deep breath. I think it was too like back to back, back to back. Are you tired or something like that? Are you tired? No, na? Start then. From the following data, calculate the gross national product GNP at market price using value added method. We can do that. So, what are we supposed to calculate? GNP at market price. Correct. So, there's giving. Can we do directly? I think we have done similar sums. So, can we do value of output in the primary sector? Net factor income from abroad, value of output in the tertiary sector, value of output in the secondary sector. If you add all the three, you will get value of output in all the three sectors. Then intermediate consumption bhi tino ka de diya hua hai sum ke andar, wo tino minus kar do. Guys, ye to bahut hi like gross value added at market price aa jayega, and gross value added at market price आ जाएगा. तो और तो कुछ दिया ही नहीं है सम के अंदर में, और नेट फैक्टर इनकम अप फ्रॉम अब्रॉड हम ऐड कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा. देर इज़ नो डिप्रिसिएशन देयर, मैं हटा नहीं सकती, एंड नो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑल्सो. तुमको पता है यहाँ पे कन्फ्यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स दिया है. गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. नो दे आर नॉट, नाइदर इन जीडीपी नॉर इन जीएनपी दे आर नॉट. They are definitely a part of private income or personal income, personal disposable income. इसमें ज़रूर आएगा, लेकिन national income में नहीं आएगा. National income में वही आता है जो productive काम करके जो बनता है पैसे, वो आते हैं. Personal income में आता है income received but not earned. Okay, income earned but not received, हम उसमें से जो भी एडजस्टमेंट करते हैं. इसके अंदर में वही आएगा जो हम अर्न करते हैं. चलो शुरू करती हूँ मैं. सो कैन आई राइट वैल्यू ऑफ आउटपुट टोटल आई मीन टू से. सो वैल्यू ऑफ आई विल राइट यू विल सी आउटपुट in all three sectors, don't feel like writing, which is equal to 500 plus 900 and plus
इट्स 2100. देन वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. So that will be equal to 250 in the primary sector, then 400 in the secondary sector and 300 in the tertiary sector. So 250 plus 400 and plus 300 would give me, I think, 950. So gross value added at market price, I have to write at least properly, 2100 minus 950 is 1150, correct? So GNP at market price will be 1150 plus net factor income from abroad, NFIA, which is, I think, negative. 1150 minus 20, it's 1130, and we are sorted on the sum, guys. So you can write a note in the sum. Of course, sum mein kya hona chahiye tha? Apan gross value added at market price mein se hum depreciation and net indirect tax hatate to hume aata NDP at factor cost. Okay, and NDP ya net value added at factor cost, and usme apan नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते तो अपने को मिलता जो अपने को चाहिए था पॉसिबली. बट चाहिए क्या था अपने को? अच्छा, वो तो मैंने नेशनल इनकम का बोला. इन्होंने जीएनपी एट एमपी मांगा था ना, जीएनपी एट एमपी मांगा था, तो सब तो ठीक ही है ना, तब तो ठीक ही है ये. इन्होंने क्या मांगा था? जीएनपी एट एमपी मांगा था, तब तो ठीक ही है ये. उन्होंने ग्रॉस मांगा था तो डेप्रिसिएशन माइनस करना नहीं है, एमपी मांगा था तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना नहीं था. So we just added net factor income from abroad and we have gotten the answer. Yeah, but if they would have asked for national income, तो हमें 1130 में से दो चीज़ें हटानी पड़ती, depreciation and net indirect tax. I hope you are in control. I don't mind at all. शायद मैं extra ही बोलती जा रही हूँ. Okay, question number 16. Calculate sales from the following data. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है एक्चुअली, देखते हैं कितना कंट्रोल है तुमको. सम में दे गिवन सब्सिडीज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, प्रॉफिट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. तुमको निकालना क्या है? सेल्स निकालना है. सेल्स तुमने कौन से वाले मेथड में देखा है? वैल्यू एडेड मेथड में. तो क्या दिया है पता है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर, बैक कैलकुलेशन का सम है, ट्राई करो खुद से भी. सो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं अपन? अपन निकालते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ओके, एंड माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस. ऐसे निकालते हो ना, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स एंड प्लस सब्सिडी, जिसको तुम नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी यू कैन कॉल, करेक्ट. सो नाउ यू हैव, दिस इज 2000, ओके, एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड ये निकल जाएगा तब तो काम ही, ये तो निकालना है हमें. माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया है? 700, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट गिवन इन द सम, सो आई टेक इट एज अ जीरो, एंड प्लस 200, राइट. सो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस विल बी इक्वल टू, कैसे निकालोगे बताओ? 2000 प्लस 700 एंड माइनस 200, राइट, दैट गिव्स मी 2500, करेक्ट. How do you calculate GVA at market prices? So we, gross value added at market price is value of output, मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे निकाला, this is how I understand, minus intermediate consumption. Okay, so 2500 is value of output. And what is the value of in 3000? Correct. So value of output will be 5500.
वैल्यू ऑफ आउटपुट पजल के जैसा समय है इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग. मैं जानबूझ के ना नेट नहीं लिख रही बिकॉज फिर एक स्टेप और लेना पड़ेगा. सो 5500 ओके सेल्स की वैल्यू निकालनी है ना तुमको. सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना दिया है 600 माइनस 100 सीधा ले लूँ क्या 500. सो योर सेल्स शुड बी 5000 एंड दिस इज कितना. सी दिस हाउ मच आई जस्ट दैट्स वाई वेन आई वॉज डूइंग क्वेश्चन नंबर 11 ना तो मैं तुमको बोली कि तुम खुद से ट्राई करो बिकॉज दे आर डूएबल सम. तुम खुद से कर सकते हो कोई इशू नहीं. 17 भी तुम खुद से कर सकते हो. ट्राई करो बहुत ज़्यादा ईजी है. दो तीन सम जो है वो आई थिंक लेक्चर आज जितना मैंने सोचा था एस्टिमेट मेरा गड़बड़ हो गया एक्चुअली. ठीक है बट चलेगा अभी क्या है पढ़ी तो रहे हैं कुछ तो ब्रेक लिया नहीं बीच में हमने. सो इट्स ओके. लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडेज लेक्चर क्वेश्चन नंबर 17. गिवन द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री यूजिंग एक्सपेंडिचर एंड इनकम मेथड. अब मैं एक्सप्लेन नहीं करी फटाफट सिर्फ डेटा सब्स्टिट्यूट करूँगी. सो बाय एक्सपेंडिचर मेथड एक साथ कर दो क्या पूरा चलेगा क्या तुमको. एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे. सबसे पहले हम एक काम करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस लेती हूँ. उसके लिए क्या लगे अब तक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000 आएगा प्लस 550 ये भी आएगा. दिमाग में इक्वेशन चलनी चाहिए. देन नेट एक्सपोर्ट्स लेंगे अपन बाद में लेंगे लेकिन नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब इसमें इन्वेंट्री चेंज आता तो नेट ओ माय गॉड इसका मतलब डिप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा. क्यों नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया यानी ऑलरेडी ये नेट है तो तुमको नेशनल इनकम निकालने के लिए माइनस डिप्रिसिएशन नहीं करना पड़ेगा याद रखना. ओके एंड लेट अस सी उन्होंने इन्वेंट्री चेंज दिया है क्या. लेट अस सी नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पहले ये तो लेती हूँ प्लस 385 देन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दैट मींस 65 को तुम अगर 385 में ऐड करोगे ना तो जा करके वो होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. नहीं गाइस नहीं दिया हुआ है एंड नेट एक्सपोर्ट्स इज माइनस 15 ये हो गया. दिस इज लाइक यू नो व्हाट अब जो मैंने लिखा अभी यू नो काइंड ऑफ दिस इज नॉट जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिस इज एनडीपी एट मार्केट प्राइस. एनडीपी क्यों बिकॉज नेट डोमेस्टिक हमने लिया था तो दिस इज एनडीपी एट मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज माइनस 10. ओके ये हो गया और उसके बाद क्या माइनस करूँ नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस 60. So let us see whether we get the answer or not. 1000 plus 550 plus 385 minus 15 is NDP at market price. Okay. Then minus 10 करोगे ना तो NNP at market price and minus 60 कर दोगे ना तो ये हो जाएगा एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम 1850 एंड वी आर सॉर्टेड. मैं शॉर्टकट गई हूँ एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो काम नहीं चलेगा ये ध्यान रखना. आई थिंक वी आर सॉर्टेड बाय इनकम मेथड. इनकम मेथड में तो और इश्यू नहीं है. एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट विल बी 600 इज योर कॉम्पनसेशन देन इंटरेस्ट 310 देन रेंट 200 देन 350
एंड 400, ये दिस इज़ लाइक एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एंड इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 10 किया, एंड वी आर सिक्स हंड्रेड प्लस 310 प्लस 200 प्लस 350 प्लस 400, ओके माइनस 10, देखो सेम आंसर आ गया 1850. सो आई डोंट थिंक दैट कोई दिक्कत होनी चाहिए तुम्हें. थैंक यू सो मच. आई एम नॉट स्पॉइलिंग योर टाइम एनी मोर. आई थिंक यू हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टुडे एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सो मच गाइज. आई डोंट थिंक इससे बियॉन्ड पेपर में आई हैव टेकन लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक यू अ लॉट कम्फर्टेबल एक्चुअली. सो आई थॉट कि मैं तुम्हें एक बार मैपिंग करा दूंगी थियोरी की पूरी, बट मुझे लगता नहीं अब ज़रूरत है, तुम खुद से कर लेना. नोट्स हैं तुम्हारे पास में, मॉड्यूल है, सब कुछ है. अब फटाफट दो तीन चीज़ें जो बाकी है वो मैं रिकॉर्ड करके तुमको दे देती हूँ, वो तुम देख के ख़त्म कर देना. थैंक यू सो मच. प्लीज़ डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट इज़ रिक्वायर्ड.